के बोले धन्य घड़ी जब हुई यशोदा मैया के की बोले हो कुर्बान दो चरणन में घुटवन की बल डोले हो कुर्बान दो चरणन में घुटवन की बल डोले अपनी बाबा की अमूरिया यशोदा मैया तेरो लगना बड़ी दूर से दर्शन कर दे आयो मेरा इष्ट जगत को स्वामी सौतन बहुत खिलायो मेरा इष्ट जगत को स्वामी सौतन बहुत खिलायो ताकि दर्श बिना कर कलेरा तेरो लगे बिन बिन मेरी यशोदा मैया तेरो लगे श्री नंद के लाला की बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम। आप लोग कहीं पर सामने बैठे अभी सब ब्रजवासी अपना हृदय से लाला को बधाई दे रही थी आशीर्वाद दे रही थी हैं इतने में बोले सबके सब तो आ गए लेकिन अभी तक तो दो व्यक्ति नहीं आए बोले कौन नहीं आए बोले श्री वृषभानंद महाराज और मैया कृतिका ये कौन है राधा रानी के पिता और ये माता है इसलिए नंद बाबा को साथ में इनकी बड़ी घनिष्ठ संबंध है बोले अगर ये आ जाए ना फिर तो बधाई शुरू होगी देखते देखते दोनों अंदर में प्रवेश किए जब प्रवेश किए एक गोप ने लठिया लेकर गई मैया कृतिका को सर के ऊपर में दूध दही मक्खन की जो मटकी थी लठिया से मारी मारते ही मटकी तो फूट गई और मैया जसोदा ने कृतिका मैया ने दूध दही में स्नान कर लिए दही में हल्दी और घी लगा करके एक दधी गादी होता है एक दूसरे को ऊपर में लगा रहे थे और इतने कीच कीची हो गई सबके सब फिसल फिसल करके एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे और बोल रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और इतने बड़े बड़े मक्खन की डेले को डेले उठा उठा करके एक दूसरे को बर्फ फेंक रहे थे एक 100 साल की एक माता जी थी उसकी एक भी दांत नहीं वो ऐसे करके देख रही थी बोले भैया नंद महोत्सव तो बड़ी सुंदर रूप में मनाया जा रहा है एक गोप ने उठाया मक्खन की डेला और वो माता जी की मुंह को लख करके मारे एक तो दांत थी नहीं और मुंह में लगते ही ना सीधा अंदर में सटक गया बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे ही नहीं रहते हैं इसलिए सबके सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हरि हो गोपाल की जय जय कन्हैया लाल की हरि हो गोपाल की जय जय कन्हैया लाल की जय गोपाल जय जय कन्हैया लाल की बुरा पर जय जय कन्हैया लाल की लाल
ब्रजवासियों ने कहा बाबा आज तेरे घर में लाला भयो, देखो सारे ब्रजवासी कैसे नाच कूद रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और तू यहाँ बैठ बैठ कर मटक मटक कर देख रहे हो। अरे कम से कम आज का दिन तू नाच दे ले। नंद बाबा को पकड़ करके ले आई, कहाँ आंगन में। नंद बाबा का आंगन राजा का आंगन है ना, बहुत बड़ी, लेकिन इतने दूध दही लाए हुए थे, पूरा आंगन आंगन भर गया था। ऐसे लग रहा था मानो एक खीर समुद्र है। नंद बाबा देखने में कैसे बोले गौर वर्ण की, बड़े लंबे चौड़े नंद बाबा, कमर में फेटे बांध कर रखे थे, एक तरफ में नंदगांव के गोप, दूसरे तरफ में बरसाना की गोप, दोनों तरफ में पकड़ रखे थे। यहाँ पर श्री कवि कर्णपुर वर्णना करते हैं, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, देवता दैत्य मिल करके लवण समुद्र मंथन की। सबसे पहले निकला पीस, जिसको भोले बाबा पान की करके अपना कंठ में धारण किया तो उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले श्री नीलकंठ महादेव की जय। लेकिन आज ये समुद्र मंथन से कौन प्रकट हुआ, बोले नंदस्तु आत्मद जाता लाद महामना। आज स्वयं नंद के लाला आनंद कंद रस वैसा अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण स्वयं आज सबसे पहले ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। कल जो समुद्र मंथन इसमें सुने थे 14 रत्न निकला था, लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, श्री नंद बाबा इतने धन दौलत सोने चांदी लुटाए, ब्राह्मण लोग तो गठली बांध कर ले नहीं पा रहे थे, और इनकी गठली की कोने से गिरते 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 जा रहा था, अली गलियों में हीरे जवाहरात बिखर रहा था, और ऐसे लग रहा था मानो आज नंद के लाला भयो है स्वयं माँ लक्ष्मी। यहाँ पर मूल लक्ष्मी कौन है, बोले श्री राधा रानी। मानो आज राधा रानी अली गलियों में नाच रही है, क्यों मेरे प्रियतम श्री बांके बिहारी ने जन्म लियो है। सबके सब आनंद कुमार नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वहां पर श्री भोले बाबा भी आए थे। अभी भोले बाबा तो दान को देख कर डर गए, बोले क्यों, बोले नंद बाबा ने 20 लाख गैया दान दिया। अब लोग बताओ शंकर जी का वाहन कौन है, जोर से बोला नंदी, वो भी गैया है, ये भी बैल है। शंकर जी ने देखा भैया जहां पर 20 लाख गैया दान दे रहे हैं, ऐसे नहीं गैया दान देते देते मेरे बैल को भी गैया मान करके दान में नहीं चले जाए, फिर मैं चढ़कर किसका जाऊंगा। उन्होंने तो नंदी को पूछ को पकड़ कर खड़े हो गए। और वहां पर श्री मैया पार्वती भी आई थी, उनकी भी 2 लाला हैं। कौन कौन 2 लाला पार्वती के, बोलो माता, गणेश और आरती। इसलिए गणेश कौन गजानन है, इनका हाथ का उनका सर है। बोले हाथी घोड़ा पालकी, बोले भैया हो ना हो भूल से मेरे बेटे को हाथी मान कर दान में नहीं देते, फिर मैं क्या करूंगा, फिर लाला अगर चला गया तो हैं। वहां पर कुबेर भी आए थे सारे धन दौलत के, हैं जिसको पास में ट्रेजरी, जिसको पास में स्वर्ग में सारे धन दौलत, जिसको पास में। लेकिन नंद बाबा आज इतने दान दे रहे थे, इतने दान दे रहे थे, स्वयं कुबेर भी लज्जित होकर के सर नीचे झुक गया, बोले भगवान मेरे को झूठ मूठ का कुबेर क्यों बनाए, आज इतने दान दे रहे हैं, भैया मेरे पास में इतने धन दौलत नहीं। इसलिए सब के सब नाच रहे थे, गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। लेकिन एक व्यक्ति वहां पर थी नहीं, बोले कौन, बोले श्री रोहिणी। बोले क्यों नहीं थी, बोली वो प्रसिद्ध भत्रिका। प्रसिद्ध भत्रिका मतलब होता है जिसका पति विदेश में हो और जेल में बंद हो, पत्नी कभी संतों बीच में ना चाहिए, कभी वसुदेव महाराज मथुरा में कंस के कारागार में, फिर ये सबको सामने कैसे नाच सकती हैं। बेचारी बड़ी दुखी होकर के बैठी हुई, और 15 दिन पहले श्री दाऊ भैया जन्म हुई। दाऊ भैया भी जन्म से आंख बंद करके बैठे, क्यों, बोले जब तक कन्हैया को नहीं देखूंगा तब तक दुनिया को मैं नहीं देखूंगा। इतने में नंद बाबा ने देखा भैया सबके सब तो यहाँ नाच रहे हैं, लेकिन घर का सदस्य ही यहाँ पर नहीं। ये रोहिणी कहाँ, ढूंढते ढूंढते आई तो देखा रोहिणी घर में गुमसुम करके बैठी हुई। बोले रोहिणी
तुम घर में दो स्त्री हो, एक जसोदा और एक रोहिणी। अभी जसोदा ने तो बच्चे जन्म दिया, अभी तो घर का काम वो नहीं कर सकती, अभी तेरे को तो देखना पड़ेगा ना। मेरे को पता तू प्रसिद्ध भत्रिका हो, अरे कम से कम लाला को तो आशीर्वाद दे कर गया। इतने में उन्होंने दाऊ भैया को लाए और कृष्ण को पास में लेटा दी। जब लेटा दी इतने में बलदेव प्रभु देखा मैं कृष्ण को सामने आ गया। बलदेव प्रभु ने आंख खोल दिए, देखो तो सामने श्री कृष्ण कन्हैया को। फिर तो मैया रोहिणी जद्यपि भी थोड़ी सी दुखी था ना, लेकिन उसका दुख भी दूर हो गया। फिर तो उसने ठुमक लगा करके नाचना शुरू कर दिए, इसलिए सारे ब्रजवासी ठुमक लगा करके नाच रहे हैं। अब लोग एक बधाई सुन लो ठाकुर जी। सखी चलो नंद के द्वारे आगारे, लाला के दर्शन करे आगे। सखी चलो नंद के द्वारे आगारे, लाला के दर्शन करे आगे। लाला के दर्शन करे आगे, गोपाल के दर्शन करे आगे। लाला के दर्शन कर आवे, गोपाल के दर्शन कर आवे। सखी जगानंद के द्वार आगार, लाला के दर्शन कर आवे। सखी जगानंद के द्वार आगार, लाला के दर्शन कर आवे। मेरे को ऐसा लगे कि बस दो मैया जाएंगी, बाकी सब बैठी रहेंगे यहाँ पे। और एक हमारे श्रीकांत प्रभु आज लापता हो गए, अगर आपको कहीं मिले तो कहीं मैं उनको मंच तक ले आए। हम लोगों से अनुरोध है, हरे कृष्णा सबके सब एक बार खड़े हो जाओ, टांग को सीधा कर लो, बड़े समय से बैठे हो, सबके सब खड़े हो जाओ, सबके सब माताएं सारे को सारे खड़े हो जाओ। भगवान की जन्मोत्सव में जो नाचिका फिरे उसको सास को सामने, नणंद को सामने, 84 लाख की जुर्म में नाचना नहीं पड़ेगा। सबके सब खड़े हो जाओ, आज जो नहीं नाचेगा उसको 84 लाख जोनी में नाचना पड़ेगा, और आज जो नाच ले सब नाचना बंद हो जाएगी। सखी चलो नंद के द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे, गोपाल के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे, गोपाल के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ला
I'm gonna make you mine.
अभी हम लोग मथुरा में चलते हैं। जब श्री वसुदेव महाराज, अभी बात मत करो कोई भैया, कोई बात मत करो, चुपचाप मुंह में अंगुल देकर बढ़िया, कोई बात मत करो। हरे कृष्ण। अभी जिस समय श्री मैया नंद श्री वसुदेव महाराज कृष्ण को वहां रख करके वहां से जोग माया को लेकर के मथुरा आ गई, अंदर में प्रवेश करते ही वो बच्ची ने जोर जोर से रोना शुरू कर दी। पहरादार जग गए, कंस को बोले, महाराज कंस तेरे काल जन्म लिया। कंस तो भक्ति भक्त आया, देखा वहां पर बेटा नहीं बेटी, देवकी बहुत मनाने के लिए कोशिश की, बेटा होता तो तेरे को मारता, लेकिन तो बेटी हुई है। बोले जो कुछ की नहीं हो, आकाशवाणी ने बताया था अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। अभी तक तो वो जोगमाया थी, कंस स्पर्श करते ही हो गई महामाया। जब पकड़ करके पछाड़ने के लिए गया, उसने चरण की ठोकर मारे, मार करके आकाश में उड़ गई। अष्टभुजाओं को धारण करते हुए बोली, रे मुड़ कंस, तुम मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। कंस देखा ये मेरी कुल देवी है, ये कभी झूठ नहीं बोलेगी। फिर देवता लोग क्या मेरे से धोखेबाजी की, उसने अपना बहन को पास में जाकर के माफी मांगी। बोले बहन, मेरे को क्या पता था ये देवता भी झूठ बोलना शुरू कर दिए, बिना कारण के कारण छह छह बच्चे को मार दी, लेकिन ये देवी कहती है मेरे शत्रु और कहीं जन्म लेंगे, मेरी गलती हो गई, लेकिन देवक को तो पता है मेरे बेटा अभी गोकुल में। कंस ने जितने उसकी अनुयायी थी, त्रिनावर्त, संकटासुर, पुतना, इस सब के सबको बुलाए। बोले अभी बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। पुतना खड़ी हो गई, बोले भैया मैं तो पुतना, पुतना मतलब क्या, पुतना जिसका पुत्र नहीं, फिर ये पुत का क्या जरूरत है, कहीं तेरा काल अगर जन्म लेगा एक महीना को अंदर में होगा। बोले हाँ, बोले मैं अपना मन मर्जी रूप धारण कर सकती हूँ, मेरे को आदेश दे, सारे बच्चों को मैं मार डालूंगी। बोले बहन जल्दी जल्दी ये काम तो करो। अभी पुतना सीधा आ गई गोकुल में, जब आई क्या उसकी चाल, क्या उसकी श्रृंगार, क्या उसकी तरसी चितवन, ऐसे लग रहा था मानो कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं कमल वन से प्रकट होकर के प्रभु को स्वागत करने के लिए आई। जब जा रही थी ब्रज में, जहां जाए ना एक ही चर्चा, बोले भैया नंद के छोटे को देखो, है तो कालो लेकिन दुनिया को आलो करने वाले, क्या सुंदर लाला है, जहां जाए एक ही चर्चा। अभी सुन सुन करके पुतना का कान पक गई, बोले जहां एक ही बात है, नंद के छोरा भयो है, लाला भयो है। कुछ गोपियां जा रही थी नंद भवन में, वो तो उनका अंदर में हिल मिल गई, हिल मिल करके सीधा पहुंच गई नंद भवन में। उसी समय मैया जसोदा रोहिणी लाला को पलने में झूला रही थी, और इसने गई सीधा, कोई बोल चाल नहीं, सीधा कृष्ण को पकड़ करके गोद में उठा ली। बोले इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए। इतने में कृष्ण आंख बंद की, बोले आंख क्यों बंद की, हमारे टीकाकारों ने इसको पीछे बड़ी बड़ी रहस्य की बात बताई, मैं इसका पांच कारण बताऊंगा कृष्ण आंख क्यों बंद की, और कल आप लोग से मैं सुनूंगा। कौन बोलेगा, बोलो तो हाथ उठाओ तो कौन बोल पाएगा सुनकर। क्या दुनिया की बहुत सारी बात हम याद करते हैं, ठाकुर की कुछ बात तो याद करो जिससे हमारे कल्याण हो। कौन बोल सकता है कल, मैं आज पांच कारण बोलूंगा पूछूंगा। देखो कम से कम दो व्यक्तियों ने हाथ उठाया, बहुत अच्छी बात है।
हाँ अच्छे तरह से ध्यान से सुनो, कृष्ण क्यों आंख बंद किया? पहला कारण है कृष्ण आए क्यों, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यम। बोले भगवान जगत में आए क्यों, बोले दुष्टों को विनाश संतों को पालन करने के लिए। अभी प्रभु जी श्री गणेश करने जा रहे हैं, सबसे पहले प्रभु पुतना को मारे, प्रभु अभी पुतना को मारेंगे, लेकिन ये प्रभु बड़े दयालु भी है, बड़े कृपालु भी है। बोले भैया मारो कैसे, बोले क्यों, बोले ये माँ की रूप धारण करके भी आई और मेरे को प्यार दे रही है। बोले मैया इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए। ठाकुर जी सोच रहे हैं अभी जब मैं इसको मारूंगा ना, ये अभी छटपटाएगी, अभी इसका दुख को मैं कैसे देख सकता हूँ, इसलिए ठाकुर ने आंख बंद कर दिया। ये पहला कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है, बोले तू जो बच्चों को मारने के लिए आई गोकुल में, तेरे को पता है गोकुल में कौन है, जितने मेरे सखा सखी जन हो गए, ललिता विशाखा चंपकलता तुंग विद्या चित्रा सुचित्रा हैं मधुमंगल स्तो कृष्ण अर्जुन लबन, ये सब के सब मेरे भक्त हैं, ये बच्चों को तुमने मारने के लिए आए हो, इसलिए मैं तेरे मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। इसलिए भगवान ने क्या किया, उन्होंने आंख बंद कर दिया। कितना कारण हुआ, गिन रहे कि नहीं, बोलो कितना कारण हुआ, दो हो गया ना, ध्यान देकर सुनो। तीसरा कारण बताए कृष्ण आंख क्यों बंद किए, अभी प्रभु सोच रहे हैं भैया ये पूर्व जन्म में ऐसे क्या पुण्य की है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत नहीं, ये जन्म जन्मांतर का जतन करने पर भी अंतिम समय में ठाकुर का नाम नहीं आता है, लेकिन इसने ऐसे कौन सा पुण्य की जो कि ये मेरे को गोद में उठा करके प्यार कर रही है और दूध पिला रही है मेरे को, ये कौन सा पुण्य की। इसलिए ठाकुर जी आंख बंद करके देख लिया सचमुच से पूर्व जन्म में उसने कौन थी। जब भगवान वामन देव बलि महाराज के घर में आए, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम थी रत्नमाला। हैं बच्चों का माताओं की एक स्वभाव है, अगर किसी सुंदर बच्चे को देख लेना इच्छा करता है इसको मैं भी गोद में लूं उसको प्यार दूं। अब भगवान वामन देव आए हैं बड़े सुंदर देखने में, अभी इनकी मन में इच्छा है ठाकुर जी को मैं भी गोद में लेकर के प्यार दूं इसको, इसको मैं लाड़ रहा हूँ, इसकी मन में इच्छा है। ठाकुर जी बोले अच्छी बात है, कोई बात नहीं, क्यों, भगवान भाव ग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। लेकिन जब श्री वामन देव ने त्रिविक्रम रूप को धारण किया और इन्होंने बलि महाराज को नागभास बंधन में बांध दिए, उनकी बेटी सोच रही है भैया मैं तो सोच रहा था कोई साधारण बालक है, ये तो बड़ा दुष्ट निकला, मेरे पिताजी को सब कुछ हड़प लिया फिर मेरे पिताजी को बांध भी दिया। बोले अगर तुम मेरे बेटे बन करके आओगे ना तेरे को मैं दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगी। बोले भैया कोई बात नहीं, जहर भी पी लूंगा बेटा भी बन जाऊंगा। इसलिए वही जो पुतना वही उनकी जो बेटी थी रत्नमाला अभी ये पुतना बन करके आई, इसलिए ठाकुर जी आंख बंद करके सब कुछ देख लिया। चौथा कारण क्या है, अभी इनके स्तन में केवल 20-20 और कुछ है नहीं स्तन में, अभी कृष्ण को स्तन पान कराएगी, लेकिन कृष्ण को गर्भ के अंदर में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड, अगर ठाकुर जी जहर पान करेंगे तो क्या होगा, भगवान गर्भ में विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगी। इसलिए विश्व ब्रह्मांड तरस उठे, बोले प्रभु खबरदार आप इनकी स्तन को मत पिया करो, केवल इसे जहर जहर 20-20 है, अगर आप पियोगे ना आपके गर्भ में हम सबके सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी आंख बंद करके श्री भोले बाबा को बुलाए, बोले भोले बाबा जल्दी जल्दी आओ। बोले क्यों, बोले क्यों किया, तुम्हारा काम है 20 पीना और मेरा काम है दूध पीना, तुम तो 20-20 को पी लो और मैं दूध दूध को पी लेता हूँ। इसलिए उन्होंने आंख बंद कर किसको बुलाए, श्री भोले बाबा को बुलाए। कितना कारण हो गया, कौन बोलेगा, बोले कितना कारण हो गया, हाँ चार कारण हो गया। पंचमा कारण है, देखना बच्चों का एक स्वभाव, क्या स्वभाव है, जो जिसको जानता है ना बच्चा उसको गोद में आसानी से चल जाता है, अगर कोई अनजान व्यक्ति आए ना बच्चा गोद में जाना नहीं चाहता, डर जाता है। इसलिए कृष्ण ने देखा भैया ये तारीख कौन है, इसको मैंने कभी देखा ही नहीं,
ये तो मेरे को गोद में ले रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी ने क्या किया, डर के मारे ठाकुर जी इन्होंने आंख को बंद कर दिए। जब उन्होंने आंख बंद की, इनके मुंह में स्तन पुतना ने पिला दी। भगवान स्तन क्या पान करेंगे, इसको प्राण को शोषण की। जब प्राण को शोषण कर रहे थे, इतने में पुतना छटपट छटपट कर रही थी, कृष्ण को छुड़ाना चाह रही थी। ठाकुर जी ने कहा, देखो मैं सहज में किसको पकड़ता है ही नहीं, लेकिन एक बार जिसको मैं पकड़ लेता हूँ ना भैया, मैं तो छोड़ना नहीं जानता। भले ही तू छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों? भगवान बड़े दयालु, ठाकुर जी बड़े दयालु है। एक बार अगर कोई ठाकुर जी को बोल दे, ठाकुर जी मैं तेरा हूँ तू मेरे हो, बस इतने में ही ठाकुर जी रीझ जाते हैं। बोले जब तक मैं तेरे को गोलोक वृंदावन नहीं पहुंचा देता हूँ, तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं। अभी पुतना ने सोच रही है, अगर किसी तरह से मैं मथुरा चला जाऊं, भैया कंस कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगा। उन्होंने कृष्ण को पकड़े और आकाश में उड़ चले। बोले कहाँ जा रहे हो, मेरे चरण में आकर के मेरे चरण से दूर जाओगे? जाने नहीं दूंगा ब्रज से। एक सुंदर बगीचा था कंस का, सबसे सुंदर, जिसमें फल फूल से एकदम लदा हुआ है। लेकिन उसका आदेश था, यहाँ का कोई भी फल फूल, कोई ब्रजवासी बा कृष्ण भक्तों को नहीं मिलनी चाहिए। मुझे और मेरे अनुजाई जितने हैं ना, अघासुर बकासुर तृणावर्त, इनको मिलनी चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, क्या ये दुनिया बनाया मैंने? क्यों ये दुनिया बनाया? मेरे लिए, मेरे भक्त के लिए। अरे मेरे को और मेरे भक्तों को मैं नहीं मिलेगा? ठाकुर तो पुतना को उड़ा करके ले गए। बोले पुतना कितने बड़ी थी? बोले त्रिगभ्युति। बोले त्रिगभ्युति मतलब एक गभ्युति 6 मील और 3 गभ्युति मतलब 8 मील, इतनी लंबी चौड़ी थी। और ठाकुर जी पुतना को उड़ा करके ले गए और उसी बगीचा में धड़ाम करा गिराए। गिराए तो जितने पेड़ पौधा फल फूल सब खत्म कर दिया। देखो एक चीज को अच्छे तरह समझो, आज कथा से इतने चीज बात लेकर के जाओ। कहते भैया पुतना को उन्होंने वहां क्यों उड़ा करके ले गए? कोई ब्रजवासी का कोई भी चीज हानि नहीं पहुंची, लेकिन ये कंस का बगीचा खत्म कर दिया। बोले कारण क्या? बोले कारण है, उपनिषद कहता है ईसा वासम इदम सर्वम जत किंचा जगत या जगत, मतलब है ये दुनिया में हम जो कुछ देख रहे हैं भगवान का दुनिया, ठाकुर ने ये दुनिया को बनाया। फिर क्या करनी चाहिए? घर में जो कुछ खाना खाओ, पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, तुलसी पत्ता से ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर वो प्रसाद को ग्रहण करो। भगवान कहते हैं अर्जुन, घर में जो व्यक्ति मेरे को प्रसाद भोग ला कर खाएगा, प्रसाद है सर्प दुखानाम, घर का सब दुख कष्ट उसको दूर हो जाएगा। भगवान खुद कहते हैं, अगर जो मेरे को भोग लगा करके नहीं खाएगा, बोले भुंजन्ते तु अघम पापा, वो केवल पापी भोजन करता है। इसलिए हे अर्जुन, यज्ञ शिष्टा सिन संत मुच्यंत सर्व क्लेश, जो मेरे को अर्पण करके खाता है सारे पाप से वो मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाएगा, उस घर में भी माँ लक्ष्मी की भी बड़ी कृपा होती है, माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। देखो आप लोगों ने सुदामा का नाम सुने हो, कौन कौन सुदामा का नाम जानते हो? सब जानते हो, आप लोग सीरियल देखे होंगे। ये सुदामा पहले दरिद्र क्यों बना, फिर ये धनी क्यों बना, फिर इसका रहस्य समझो। बोले एक समय कृष्ण सुदामा जंगल में लकड़ी लेने जा रहे थे, इतने में गुरु माता ने सुदामा जी को चाना दिया। बोले बेटा कृष्ण को देख करके खाइए। बोले ठीक है माता जी, लेकिन आप लोग देखे होंगे बारिश ही हो रही थी और सुदामा पेड़ पर चढ़ करके ना अकला अकला चाना खा रहा था, कृष्ण को दिया नहीं। कृष्ण तो सब जानते हैं। बोले आज मेरे हिस्सा तू खा रहे हो, इसका तेरे को पाप भोगना पड़ेगा। इतने दरिद्र बना घर में, खाने के लिए कुछ नहीं। जब इसकी पत्नी को पता चला, इनकी बचपन का जो दोस्त है द्वारकाधीश, बोले जाओ एक बार ठाकुर को दर्शन करके आओ। बोले देखो सुशीला, खाली हाथों से नहीं आनी चाहिए, कुछ दो तुम। तो उन्होंने 2 मीठी चिड़वा भिक्षा करके लाई। ठाकुर जी 1 मुट्ठी खाए, ठाकुर जी 2 मुट्ठी खाए। जब 3री मुट्ठी खाने जा रहे थे, रुक्मणी हाथ पकड़ी। बोले प्रभु और नहीं, आपने 2 मुट्ठी खा लिया ना, उसको घर में सारे राज ऐश्वर्य पहुंच गया। अगर आप 3री मुट्ठी खाओगे, मैं जो लक्ष्मी
घर में मेरे को दासी बनना पड़ेगा और मत खाओ। सचमुच से सुदामा जब घर में आया ना, सोने के महल, उसकी पत्नी राज रानी बनकर के बैठी हुई। सुदामा सोचा, भैया मैंने गलती से तो कहीं नहीं आ गया। सब लोग से पूछा, भैया ये राजमहल किसकी है? बोले सुदामा जी का है। उनने सोचा और कोई सुदामा होगा, हैं? और कोई शायद सुदामा होगा। इतने में उनकी पत्नी सुशीला ने छत के ऊपर से अपना पति को देखे, नीचे उतर कर के आई आरती उतारने के लिए। सुदामा सोच रहा है, भैया ये राजकुमारी मेरे तरफ में क्यों आ रहा है? हाँ, ये मेरे तरफ में पीछे हट रहे थे। सुशीला बोली, मेरे को पहचान नहीं रहे? बोले तू है कौन? बोले आपका मैं वही सुशीला। बोली ये सब क्या है? बोले ठाकुर के लिए दो मुठ्ठी चिड़वा लेकर गए ना, ठाकुर जी खाए तो त्रिभुवन का राज्य दे दिया। ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया। देखो शिक्षा देते हैं, देखो इतना चीज माताएं लेकर जाओ घर में, भाई लोग और माता जी, घर में जो कुछ खाना बने पहले भगवान बांके बिहारी जी को, नहीं तो लड्डू गोपाल, नहीं तो सीताराम को पहले तुलसी पत्ता से ठाकुर को भोग लगाओ। भोग लगा करके बच्चों को खिलाओ, पतियों को खिलाओ, क्योंकि जैसे खाओगे और ना वैसे बनेगा मन। अगर भगवान की प्रसाद, प्रसाद मतलब क्या? कृपा। बोले प्रसाद है सर्व दुखानाम, भगवान की प्रसाद खाने से जीवन का सारे दुख दूर हो जाता है। अगर भगवान की भोग नहीं लगाओगे फिर सुदामा जैसे दरिद्रता भोगना पड़ेगा, हैं? लक्ष्मी अगर आएगी ना धीरे धीरे जाती रहेगी, रहेगी नहीं घर में। क्यों? हर चीज पैसा से खरीदी करते हैं, पैसा लक्ष्मी है, लक्ष्मी हमारी नहीं, लक्ष्मी नारायण की है। अगर लक्ष्मी नारायण की सेवा में लग गई ना, फिर तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, फिर आशीर्वाद देती, बेटा खूब फलते फूलते रहो, खूब सुखी रहो। लेकिन एक बात है, अगर प्याज लहसुन खाओगे फिर तो ठाकुर को भोग नहीं लगा सकते हो। इसलिए प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए। जो प्याज लहसुन है ये गैया का मांस से ये प्याज बना, गैया का हड्डी से ये लहसुन बना है, गैया के खून का बूंद से ये मसूर दाल बना। इसलिए आप लोग देखना, जैसे नवरात्रि आती है, कौन कौन नवरात्रि रखते हो? करी करी सब माताएं रखती हैं। आप देखना 9 दिन तो कोई प्याज लहसुन खाते हो? कोई क्यों नहीं खाती हो? माता जी को पसंद नहीं। क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखना प्याज लहसुन नहीं खा करके? फिर खाओगे फिर उनको नाराज कर सको। इसलिए मैया को ये चीज पसंद नहीं। कारण यही है। क्या कारण है? कारण यही है, इसका सृष्टि ये गैया की मांस और इनकी हड्डी से ये लहसुन प्याज बना हुआ है। इसलिए आप लोग देख लो, तुम्हारी घर में एक पीढ़ी पहले देखना तुम्हारे घर में भी आता नहीं होगा। किसी हिंदू घर में ये प्याज लहसुन नहीं घुसता था, क्योंकि हर घर घर में पहले ठाकुर होते थे, ठाकुर जी को सेवा पूजा होती थी, ठाकुर जी को भोग लगता था। प्रश्न है प्याज लहसुन आया कहाँ से? ये मुगल लोगों ने लाए, ला करके हमें सब मुगल हम बना दिया, मुसलमान बना दिया। प्याज लहसुन मांस मछली ये मुगलों का खाना, हमारी खाना हिंदुओं का खाना नहीं है। इसलिए प्याज लहसुन खाने से वो मांस खाने का पाप लगता है। इसलिए नवरात्रि में जो व्रत रखते हो, नवरात्रि में कोई नहीं खाते हैं। जैसे राम जन्मतिथि, कृष्ण जन्मतिथि में कोई खाते हैं सब चीज को? इसलिए सब चीज को नहीं खाते हैं। कोशिश करना जैसे ये चीज छूट जाए, शुद्ध रूप में घर में खाना बने, ठाकुर जी को भोग लगे, परिवार खाओ, देखना घर में शांति आनंद आएगा। कृष्ण स्वयं कहते हैं ठीक है, नहीं तो पुतना आ जाएगी फिर घर में। पुतना क्यों आ गई? बोले ये चीज कृष्ण सेवा के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए नहीं, मेरे और मेरे दुष्ट जितने मेरे अनुजाई के लिए, इसलिए पुतना उड़ करके आ गई। फिर घर में ये पुतना उड़ करके फिर आ जाएगी अगर भगवान को भोग नहीं लगाओगे तो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई बोल नहीं रहे, मैं अकेला बोल रहा, जोर से बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। और एक बार जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण को पीछे पीछे सब ब्रजवासी भगे, हमारे लाला को कहाँ लेकर जा रहा है? देखा पुतना मरी पड़ी हुई, फिर कृष्ण को वहां से उतारे,
उतार करके मैया जसोदा जब स्तन पान कराए, कृष्ण थोड़ी सी मीठी मीठी हंसे, फिर मैया को चैन भरी, लाला ठीक ठाक है। जब उसके शरीर में आग लगाई, उसका शरीर से चंदन अगुर कर्पूर की खुशबू आई, इसलिए भगवान उसकी स्तन को पान किए थे, स्तन पान किए हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले पुतना लोक बाला जनी राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासया पिहरे स्तनम दत्ता अपसद गति। या देखो हमारे बांके बिहारी कितने दयालु हैं। पुतना को अंदर में सारे दुर्गुण हैं। पहला नंबर पुतना मतलब पवित्र नहीं, दूसरे नंबर में राक्षसी, तीसरे नंबर में बच्चों को खून पीते थी, चौथा नंबर में भगवान के लिए बीस लेकर के आई थी। लेकिन ठाकुर कितने दयालु, देखो जो उसने एक सेकंड के लिए जो नाटक रचाई, बोले इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए। ठाकुर ने क्या दे दिया, उसको गोलोक वृंदावन में दे दिया। कहते अगर किम पुनः श्रद्धा भक्त्या कृष्णाय परमात्मनी, अगर थोड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक अगर कृष्ण को कोई पूजा करेगा, फिर कृष्ण उसको क्या नहीं देंगे, कृष्ण उसको क्या नहीं देंगे। इतने दयालु श्री हमारे बांके बिहारी। बोले श्री बांके बिहारी की जय, जय श्री राम। जब भगवान पुतना को मारे, जब नंद बाबा को ये पता चला ना, बोले देखो सावधान, ऐरे गेरे व्यक्ति को घर में घुसने मत दिया करो, एकदम कड़ी पहराधार लगा दिए, कोई जैसे घर में घुस नहीं पाए, कोई घुसने से पहले मैं जब तक जसोदा का आदेश नहीं हो कोई घुसना नहीं, क्योंकि पुतना आ गई घर में, बड़ी कड़ा पहरादार। इतने में श्री भोले बाबा भी दर्शन करने के लिए आए, शंकर जी सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी। जब शंकर जी ने देखा प्रभु का सारे लीला था, मैंने दर्शन की, लेकिन प्रभु का बाल गोपाल रूप नहीं देखा। जब कृष्ण को भूख लगता है, कृष्ण रोते हैं, मैया को पता चलता है लाला को भूख लग गया, विश्व ब्रह्मांड को जो चलाने वाले मैया उनको अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके चलाना सिखाती है, विश्व ब्रह्मांड को जो पालन करने वाले अभी मैया जसोदा उनको पालन करती है। मैं एक बार ठाकुर जी को दर्शन करके आऊ, बाल गोपाल स्वरूप को, शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए आए। आपको पता है शंकर जी का श्रृंगार किया है, हैं? शरीर में सांप बिच्छू लटक रहा है, शरीर में बभूति शंकर जी लगा करके रखे हैं, इसलिए व्याघ्र चर्म को पहन करके आए शंकर जी। जब शंकर जी सब चीज पहन करके आए, इतने में जो सामने एक चौकीदार थी एक गोपी, शंकर जी ने कहा मैंने सुना है नंद के लाला भयो है। बोले नंद के लाला भैया तो तेरे कहा भयो है, बोले थोड़ा लाला को दर्शन करा दो। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी और वो तो देखने में बड़ी सुंदर थी और तू तो देखने में बेच लग रहे हो, तेरे को देख करके तो मेरे जी घबरा रहा है, हमारा लाला तो भी छोटा सो, बड़े जल्दी लाला को ऊपर नजर लग जाती है, भैया लाला का दर्शन भरसन कुछ नहीं हो गया। फिर उन्होंने मैया जसोदा को बोली, बोले मैया कहाँ से के बाबा आयो है, वो कहता है लाला को दर्शन करेगा। मैया उसको देख करके तो मैं ही डर गई, जा मैया तू जा करके देख। इतने में मैया आ गई, बोले बाबा क्या चाहिए। बोले मैया लाला को दर्शन करा दे, बढ़िया तेरे को मैं लाला को मैं आशीर्वाद दूंगो। बोले बाबा बाद में तो लाला का आशीर्वाद दोगे, लेकिन तेरे को तो देखते ही मैं घबरा रही हूँ, हैं? और लाला का भी बच्चा छोटा छोटा सा है अभी। मैया बोली सोना चांदी जो लेना लो, अपना रास्ता देखो। शंकर जी सोच रहे हैं भैया जो विश्व ब्रह्मांड को पालन करने वाले, जिनका डर से स्वयं काल भी डरता है, और मैया क्या कह रही है, इसको देख करके मेरे लाला डर जाएगा, हैं? मेरे लाला डर जाएगा। इतने में शंकर जी बोले देखो मैया जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगे ना, यहाँ से हटने वाले नहीं, मैं तो यहीं त्रिशूल काट करके बैठ जाऊंगो। मैया बोले मेरे चार चार दरवाजा हैं, अगर इधर बैठोगे ना दूसरे दरवाजा में मैं निकाल दूंगी। बोले मैया चार दरवाजा में मैं चार रूप लेकर बैठ जाऊंगो, कैसे निकालोगे। बोले मेरे 11 दरवाजा हैं, फिर क्या करोगे। बोले मेरे 11 रुद्र हैं। कितना रुद्र है, 11 रुद्र है, मेरे तरफ देखो 11 रुद्र हैं।
हैं 11 मीटर में। बोले चिंता मत करो शंकर, तो त्रिशूल गाड़ करके शंकर जी वहीं पर शंकर जी बैठ गए, और बैठ करके शंकर जी अलग निरंजन अलग निरंजन, और अपना प्रभु कृष्ण का चरण को स्मरण करने लग गए। बोले हे प्रभु, मैंने तेरे सारे लीला देखा है लेकिन तेरे बाल गोपाल रूप नहीं देखा, मैं कितने दूर से आया, कहाँ से आया हूँ। बोले कैलाश से चलते चलते आया हूँ, एक बार केवल हमें दर्शन दे दे मैं खुश होकर चला जाऊंगा। भगवान भक्तवत्सल है, ठाकुर जी तो रोना शुरू कर दिया। मैया जितने थपथप लगाए उतना जोर जोर से रोए, उतना जोर जोर से पूरा परिवार दंग तंग हो गए। बोले भैया क्या हो गया, लाला का रोना क्यों बंद नहीं होता है। एक गोपी ने कहा मैया वो जो बाबा है ना वो त्रिशूल गाड़ कर वही आंख बंद कर बैठा हुआ, लगता है तेरे लाला के ऊपर कोई नजर लगा दिया है। वो कहता है जब तक तुम लाला को दर्शन नहीं कराओगे तब से यहाँ से हटने वाला नहीं, बाबा बड़ा अखड़ है। मैया ने काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का बूंद लगा दी, और गले में काला धागा बांध करके बड़ी कष्ट से मैया लाए। बोले बाबा तू बड़ा अखड़ हो, बात नहीं मानते, ले ले लाला का दर्शन कर। जब एक झलक दर्शन कर आए कपड़ा उठा करके, इतने में कृष्ण जो रो रहे थे ना, कृष्ण तो खिलखिला कर हंसने लगे। शंकर जी जो हंस रहे थे, शंकर जी रोना शुरू कर दिया। मैया तो समझ गई ये बाबा कुछ जानता है, क्योंकि लाला का रोना लेकर के अपना हंसना दे दिया। अगर माताओं को पता चले ना ये बाबा कुछ जानता है, जादू टोना हाथ देखना देखना माताएं घेर जाती है। बोले बाबा थोड़ा मेरा हाथ देख ले, बाबा मेरे थोड़ा हाथ देख ले क्या होने वाले है। सबके सब उनको घेर गए। बोले बाबा तेरे को कोई जादू टोना आता है ना क्या। बोले और क्या। बोले हमारे लाला के ऊपर में बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, कोई जादू टोना है। बोले एक काम करोगे ना कभी लाला के ऊपर नजर नहीं लगेगा। बोले बता दे। बोले जब तेरे लाला को स्नान कराओगे वो जो स्नान का जो पानी चरणा मृत उसको ला करके मेरे सर पर डाल देना। बोले ठीक है बाबा, भगवान की चरणा मृत गंगा है, देखना सो काबर लोग जाते हैं ना गले कंधे पर गंगा पानी लेकर के शंकर जी सर पर डालते हैं। गंगा कौन है कि वामन देव ने जब एक चरण को उन्होंने ब्रह्म लोक तक बढ़ाया, ब्रह्मा जी भगवान की चरण को अभिषेक करके जो कमंडल में रखा था वही श्री पतित पावन गंगा। इसलिए भगवान की चरणामृत शंकर के सबसे ज्यादा प्यारा है। हैं शंकर की जटा में कौन है, गंगा है। कृष्ण का चरणामृत कौन है, गंगा है। इसलिए बोले बाबा अगर मेरे चरणामृत दिला दोगे ना मैं खुश हो जाऊंगा। बोले कर दूंगा। बोले और कुछ करना पड़ेगा। बोले एक काम करोगे तो कभी नजर ही नहीं लगेगा। बोले बता दे। बोले जब तेरे लाला को कोई भोजन कराओगे ना बांके बिहारी को, मेरे को वो प्रसाद ला करके दे देना। बोले ठीक है बाबा, ला करके दे दूंगा। देखो ये 5,500 साल की कथा है। अगर अभी नंदगांव में जाओगे ना, जब ठाकुर को स्नान कराया जाता है वो चरणामृत सीधा आती है शंकर जी के सर पर गिरता है। जब ठाकुर जी को भोग लगता है कृष्ण की, वो प्रसाद पहले शंकर जी के पास में आएगा। जब कोई प्रसाद कृष्ण को भोग लगे वो प्रसाद है, लेकिन जब उनके किसी प्यारे भक्तों को भोग लग जाए वो प्रसाद नहीं, वो महा महा प्रसाद हो जाती है। हैं नियम है, जैसे कभी कभी हम हनुमान जी को लड्डू भोग लगाते मुंह में लेकर लड्डू दे तो ठोसते हनुमान का, क्या हनुमान जी भूखे तुम्हारे लड्डू खाएंगे। जब राम दरबार लगता है हनुमान जी कहाँ बैठे हुए होते हैं, बोलो कहाँ बैठते हैं। हाँ ये चीज को समझो, जब तक भगवान राम की कोई चीज भोग नहीं लगता है, मैया जानकी की नहीं लगता है, एक मण किया 100 मण भी लड्डू लेकर के हनुमान को सामने रखो, हनुमान एक बार भी उस तरफ में नहीं देखेंगे। क्यों, हनुमान जी राम की एकनिष्ठ भक्त हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं। जब तक उनकी भोग नहीं लगेगा, अगर प्रभु राम सीता को भोग लगेगा ना हनुमान को खिलाने का जरूरत है, लपक कर खा लेंगे, उनको देने का जरूरत नहीं। यही चीज को समझो, पहले कोई भी चीज हो, माँ देवी हो, शंकर जी हो, नहीं तो हनुमान जी हो, गणेश हो, इनको कोई भी चीज भोग नहीं लगानी चाहिए। पहले पहले कृष्ण हो राम हो, सबसे पहले तुलसी पत्ता से इनको भोग लगाओ, फिर यही प्रसाद को फिर सब देवादेवी को दो। देखो एक सुंदर कहानी सुनाता हूँ, अब ये कथा से आपको बहुत चीज सीखा मिलेगी। बोले एक समय श्री नारद जी, इन्होंने सुना है जो भगवान नारायण की एक बार प्रसाद पा लेना
फिर वो व्यक्ति जन्म मृत्यु का चक्र से चिरकाल के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसलिए एक दिन नारद जी वैकुंठ में गए ठाकुर जी के पास में, बोले ठाकुर जी थोड़ा आपके अधरा मृतक हो। नारायण बोले देखो नारद जी में अपना अधरा मृत दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये लक्ष्मी बनाती है, ये लक्ष्मी बना करके क्या मेरे को खिला करके क्या करते नहीं करती, ये लक्ष्मी को पता मेरे को पता नहीं, तुम लक्ष्मी को पास में जाओ। तब वो लक्ष्मी को पास में गए, लक्ष्मी बोले तू बीच से कहाँ से आ गया, इतने कष्ट करके मैं खाना बनाती हूँ, अब प्रभु को खिला करके जो छोड़ देते हैं प्लेट में उसको खा करके मैं अपना जीविका निर्वाह करता हूँ, तू बीच से कहाँ से आ गया, भैया प्रसाद प्रसाद कुछ नहीं मिलेगा। नारद भगा दी। इतने में नारद जी फिर आए ठाकुर जी के पास में, नारायण के पास में, बोले मैया तो हम भगा दिए प्रसाद दिए नहीं। बोले प्रभु बताओ क्या करूंगा। बोले कुछ कर सकते हो उसके लिए, कुछ तुम परिश्रम करना पड़ेगा, करोगे। बोले प्रभु आप जो बोलोगे, आपकी अधरा मृत पाने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। बोले एक रहस्य बात बताता हूँ, तुम मेरे मंदिर को पीछे जाओ, देखना कि कुआ है वो ढका हुआ पत्थर से, वो ढक्कन को खोल करके कुआ में स्नान करना, स्नान करते ही तुम्हारी नारद स्वरूप बदल जाएगा, तुम एक सुंदर गोपी रूप धारण करोगे, वो गोपी रूप लेकर के तुम माँ लक्ष्मी के पास में जाओ, इतने सेवा करो लक्ष्मी को, जैसे लक्ष्मी कुछ दिए बगैर रह नहीं सकती। जब इतने प्रसन्न हो जाए, फिर जब कोई देने के लिए बोले ना मांगना नहीं, तुम उनको तीन बार कसम खिलाना, फिर जाकर के प्रसाद मांगो तो प्रसाद मिलेगा, नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा। नारद जी इतने कठोर तपस्या की, इतने लक्ष्मी की चरण की सेवा की, लक्ष्मी तो देखा भैया बड़े बड़े सेवक हैं, लेकिन इतना सेवा तो कोई करते नहीं, उसकी सेवा से इतने रीझ गई। लक्ष्मी बोली देखो दासी तू इतने सेवा करती हो, तेरे को मैं कुछ देना चाहता हूँ, तू मन में जो कुछ इच्छा मांग ले। बोले ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले आप तीन बार कसम उठाओ। फिर लक्ष्मी तीन बार कसम उठाए, बोले बोलो क्या चाहते हो। बोले ठाकुर जी का अधरा मृत भगवान की प्रसाद दो। लक्ष्मी बोली भैया तू है कौन, तुम सही सही बताओ, क्योंकि जो भगवान की जो प्रसाद नारायण की साधारण नहीं, इनकी महिमा सब नहीं जानते हैं। बोले बताओ ये तो इतने दिन से इतने सेवा क्यों कर रही थी, बोले बताओ तुम सही सही है कौन। जब बोले ना इतने में श्री नारद जी प्रकट हुए, बोले ओ तुमने आया था ना कितने हजार साल पहले। बोले हाँ प्रसाद लेने के लिए। बोले बताओ तुमको ये मार्ग किसने दिखाया। बोले स्वयं ठाकुर जी। बोले अभी तो उन्होंने तीन बार कसम खा चुकी है, जब भगवान प्रसाद पाए उसको बाद में जो दाल भात सब्जी उन्होंने उसको मिक्स करके थोड़ी सी नारद जी को हाथ में दिया तो इतने में नारद जी नारायण का प्रसाद पाए, नृत्य करते 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 पहुंचे कैलाश में। कैलाश ध्यान में बैठे हुए थे, देखा नारद जी में तो आनंद है लेकिन आज तो कोई विशेष आनंद दिख रहा है। बोले नारद जी क्या बात है आज तो इतने प्रसन्न क्यों हो। बोले बड़े दिन के बाद में भगवान की हमें अधरा मृत हमें प्रसाद मिला। बोले देखो प्रसाद अकेले नहीं खाने चाहिए, प्रसाद बांट कर खाने से वैकुंठ जाते हैं। मेरे लिए कुछ रखा कि नहीं, मेरे को भी थोड़ा दो। बोले अरे कितने हजार साल के बाद में थोड़ी सी मिला, मैं तो खा लिया। बोले देखो ना थोड़ी सी लगा होगा, सचमुच से एक अन्न की दाना लगा हुआ था हाथों में। बोले भैया इतना ही प्रसाद काफी है। शंकर जी खाए तो तांडव नृत्य शुरू की, शंकर पार्वती जब नृत्य कर रहे थे इतने में शंकर नारद जी माँ पार्वती थी। अभी माता पार्वती बोले भैया आज क्या बात है ये दोनों आज इतने आनंद में क्यों नाच रहे हैं। मैया पार्वती ने पूछा क्या आनंद है आज इतने क्यों खुश हो। बोले ठाकुर जी की प्रसाद मिला। पार्वती बोले देख प्रभु मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपको जो कुछ मिलेगा आधा ऐसा मेरी है, मेरे लिए कुछ प्रसाद रखा कि नहीं। बोले पार्वती एक अन्न की दाना है नारद जी को हाथ में था। बोले जो कुछ क्यों नहीं हो मेरी इसी में आधा हिस्सा है, क्या अकेले खा लिया। बोले तुम्हें खा लिया। इतने में माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया, बोले ये नारद बड़े स्वार्थी है, प्रसाद मिला तो अकेले खा लिए, फिर शंकर जी को एक किनका मिला वो मेरे लिए नहीं रखा खा लिए, इसलिए देखो मैं और ये कैलाश में नहीं रहूंगी, मैं मर्त्य जगत में श्री जगन्नाथपुरी जाऊंगी। जब श्री जगन्नाथ जी को भोग लगेगा सबसे पहले मैं खाऊंगी, फिर तुम दोनों जैसे स्वार्थी ऐसे नहीं बनूंगी। माँ क्या करती है बताओ, माँ पहले बना करके बच्चों को पतियों को खिला करके
परिवार को खिला करके फिर माँ खाना खाती है। पहले माँ स्वयं खा लेती है क्या? इसलिए बोले मैं वहां पर जगन्नाथ जी का भात और जगत पसारे हाथ, सबसे पहले मैं खा करके फिर दुनिया को मैं भगवान की प्रसाद मिलाऊंगी। इसलिए आप जगन्नाथपुरी कभी जाना, कौन कौन जगन्नाथपुरी गए हो, जगन्नाथ मंदिर कौन कौन गए, देखना श्री जगन्नाथ जी के मंदिर को ठीक पीछे माँ विमला की ये है, जैसे वाहन पीठ है ना, माँ के चरण वहां पर गिराए, माँ के चरण के स्थान है, उनकी कृपा से ही हमारे संप्रदाय में आज एक संत की जन्म तिथि, आज उनकी कृपा से ही वो संत जन्म हुए और विश्व ब्रह्मांड में हरि भक्ति को जगत में उन्होंने प्रचार किया है। इसलिए जगन्नाथपुरी में नियम है, सबसे पहले जो जगन्नाथ जी के सोने की जो प्लेट है, जगन्नाथ जी खाने के बाद वो प्लेट सीधा माता जी के मंदिर में आएगी, फिर माता जी प्रसाद पाकर के नियम है, वहां जितने लोग होंगे सबको प्रसाद, ब्राह्मण सबको वहां बांटेगी प्रसाद। क्यों? माँ प्रतिज्ञा करके आई थी कैलाश से, प्रसाद को मैं अकेला नहीं विश्व ब्रह्मांड को खिलाऊंगी। हाँ देखो ये चीज से समझो, जब कोई चीज ठाकुर जी को भोग लगता है, कृष्ण नित राम नारायण को हो जाता है प्रसाद, लेकिन वही प्रसाद जब किसी भगवान के भक्तों को भोग लगता है वो प्रसाद नहीं, फिर महा महा प्रसाद हो जाता है। शंकर जी कौन है? शंकर जी वैष्णवानाम यथा संभो, भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री भोले बाबा, वही शंकर ही त्रेतया युग में हनुमान बनकर के आए, प्रभु की चरण की सेवा करता है। इसलिए द्वापर युग में जब ठाकुर जी आए, हम कल सुनेंगे शंकर जी कैसे गोपीश्वर बनकर के आते हैं, शंकर जी गोपीश्वर बनकर के गोपी मूर्ति धारण करके प्रभु की रास दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए जो माता पार्वती कौन की वैष्णवी, कभी आप जम्मू जा करके देखना, देखना माँ की गले में तुलसी कंठी देखोगे, पहले वहां पर माँ के सामने बलि होती थी, कोई एक संत एक समय दर्शन करने के लिए माँ को गए, उसको नीचे रोके बोले दूसरे दिन हम माँ को दर्शन करेंगे, लेकिन पहले वहां पर भैंस बकरी का बलि चढ़ती थी, सवेरे जब उनको बलि चढ़ी और बड़ी तेज से मैं आवाज आई, इतने में उस संत ने पूछा भैया यहाँ पर इतना आवाज कहाँ से आ रही है, किसने कहा ये माता जी को सामने बलि चढ़ती है, बोले क्या माँ बलि चढ़ती है, क्योंकि माँ है ना, माँ मतलब कि हमारी माँ ना, सारा दुनिया की माँ है, सारा दुनिया की माँ, माँ कभी बच्चों का खून पी सकती है कभी? वो संत बिगड़ गए, बोले ये माँ नहीं ये चंडी है राक्षसी, ऐसे देवी को हम दर्शन करना है, चलो यहाँ से, हम गलती से यहाँ पर आ गए। जब वहां से चल पड़े इतने में माँ ने पुजारी को स्वप्न दिया, बोले ए पुजारी उठो एक संत मेरे को दर्शन करने के लिए आए हैं, अभी वो दुखी होकर के यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि तुम लोग मेरे सामने बलि चढ़ाते हो, देखो आज से अगर मेरे सामने बलि चढ़ाओगे तुम्हारी वंश को मैं ध्वंस कर दूंगी, आज से कोई भी मेरे सामने बलि नहीं चढ़नी चाहिए, वो संतों को बुला करके लाओ और उनको बोलो मेरे गले में तुलसी की कंठी धारण करो, तुलसी की माला मेरे कंठे में धारण कराए। तो संतों को बुला करके प्यार पकड़ करके लाए, बोले माँ ने स्वप्न दी अब तुलसी माला माँ की गला में पहनाओ, तब से इनका नाम होगी वैष्णवी। इसलिए माँ वैष्णवी, वैष्णवी मतलब किया जो भगवान विष्णु व कृष्ण की ये परम भक्त है, इसलिए इनकी कृपा से ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। क्यों? ये दोनों वैष्णव वैष्णवी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरित्र लिखते हैं, अब देखो सबसे पहले शंकर पार्वती को प्रणाम किया है, इनको गुरु रूप में प्रणाम किया है, इनकी कृपा से ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो। ये भागवत कौन किसको कहां सुनाया? अमरनाथ में शंकर ही सबसे पहले पार्वती को अमरनाथ में यही कथा सुनाई। ये रामायण क्या है? शंकर सबसे पहले रामायण को अपना हृदय में रचना करके रखे, पार्वती को सुनाए। इसलिए जितने सारे ग्रंथ हैं सब शंकर पार्वती का संवाद है। इसलिए शंकर पार्वती को इष्ट मत मानो, शंकर पार्वती को गुरु मानो, ये हमारे गुरु है और इनकी कृपा से ही हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। श्री राधा बजाने वाली
तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है गिरधारी, श्रीराधा वर्षा देवारी, तेरो पुजारी है गिरधारी, श्रीराधा वर्षा देवारी, तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है श्याम श्याम मनावे, श्याम मनावे,
चारु मनाए चाव बनाए हरि नाशिनाए बलियारे हीरो पुजारी है गिरधारे सीरा दबर सानी बारी तेरो पुजारी है गिरधारे तेरो पुजारी है गिरधारे तेरो पुजारी है बलवारी ओ तेरो पुजारी है बलवारी तेरो पुजारी है श्रीरा दबर सानी बारी तेरो पुजारी है बनवारी नामकरण संस्कार नहीं हुई जिसकी मन में जैसा आता है वैसे ही बुलाते हैं। लेकिन अभी एक दिक्कत है, वसुदेव महाराज ये सोच रहे हैं कृष्ण तो मेरो लाला है, लेकिन श्री नंद बाबा सोच रहे हैं भैया लाला तो मेरो है। दोनों ही सोच रहे लाला मेरो है और दोनों का ही लाला है। एक दिन श्री वसुदेव महाराज गर्गाचार्य को बोले है, गर्गाचार्य जी आप तो त्रिकाल दृष्टा संत हो, आपको तो पता लाला मेरो है। मैंने राता रात लेकर के लाला को सुला करके वहां से बेटी को ले आया हूँ। अब एक काम करो, अब एक बार गोकुल जाओ और बेटा का नामकरण करके आओ और ऐसे एक नाम धराना जो नाम मेरे साथ में मिलते जुलता हुआ हो, ऐसे एक नाम धराना। क्योंकि एक बार जो बच्चे का नाम हो जाता है ना, फिर उसी नाम से ही सारा जीवन उसको बुलाते हैं। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, अभी जैसे बच्चे का टुल्लू बुल्लू टिंकी फिंकी नाम रखते हैं ना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है ब्राह्मण को बुला करके उसका जन्म नक्षत्र देखो, जिस समय में वो जन्म हुआ है एक अक्षर निकालते हैं, वो अक्षर को पहले रख करके कोई भगवान का नाम नहीं तो किसी भगवान की भक्तों का नाम धरानी चाहिए, ये नियम है। हाँ ये नियम है, बोले ये नियम क्यों, देखो ये चीज़ को समझो। आप देखना जब शादी होती है जन्मपत्री मिलाते, जन्मपत्री मिलाते कि नहीं, ये जन्मपत्री क्यों क्यों मिलाते हैं, क्योंकि वो बच्चे जो जन्म हुए जिस नक्षत्र में जन्म हुए वो पहला अक्षर से वो नाम हुआ होता है, हैं हम कहते ना ये मंगली है ये है, ये पता कैसे चलता है, वो जन्म नक्षत्र से पता चलता है। देखना हमारे भारत में शादी से पहले जन्मपत्री मिला करके शादी कराते, तभी वो शादी टिकती थी। अभी इतने डाइवोर्स क्यों हो रहा है, क्यों ये सब डाइवोर्स हो रहा है? अगर आपने बच्चे का नाम ऐसे टुल्लू बुल्लू कुछ रख लिया, शादी के समय में जन्म नक्षत्र नहीं मिला, ऐसे शादी कर दोगे ना, अभी ये डाइवोर्स होने का कारण क्या है? यही कारण है हम लोगों ने ये शास्त्र भास्त्र पहले देखो, ये बड़े बूढ़ों को देखो, कभी डाइवोर्स नाम का कोई नाम सुने, डाइवोर्स कोई नाम सुना है? अभी भारत में 30-40% डाइवोर्स हो गए। कारण क्या बोले, कारण यही है हमने ये शास्त्र को उल्लंघन करते हुए वेस्टर्न कल्चर को हम अपना रहे, ये विदेशी का जो कल्चर को हम अपनाना शुरू कर दिया है, इसलिए अभी जितने सारे गड़बड़ी सारे सड़बड़ी से हो रही है। इसलिए एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे कोई मशीन निकलता है, देखना वो मशीन को साथ में एक मैनुअल भी होता है, वो मैनुअल कौन बनाता है, जिसने वो मशीन को बनाए। अगर उसको पढ़ करके कोई कंप्यूटर कोई मोबाइल देखो, जिसने बनाया वो वही बनाता है, अगर उसको पढ़ करके अगर उसको चलाओ ना वो सही चलेगा, अगर मनमर्जी चलाओगे फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए ठाकुर ने ये दुनिया किसने बनाए, बोले बनाए भगवान ठाकुर ने बनाए,
भगवान ने उसको साथ में मैनुअल भी दिए। वो मैनुअल क्या है? रामायण है, गीता है, मनु संहिता है, हमारे वेद है, ये भागवत है। अगर ये शास्त्र का अनुरूप अगर ये संसार में रहे तो भैया फिर हम ठीक ठाक रहेंगे, फिर हैं आनंद मंगल में रहेंगे। अगर शास्त्र ग्रंथ को उल्लंघन करते हुए अपना मनमर्जी चलेंगे ना भैया, गड़बड़ी सबके सब सारी गड़बड़ी होगी। हाँ देखो, पहले जब नामकरण करते थे कैसे नामकरण होता था? बेटा कौन होता है? जो हमारी खानदान को आगे चलाता है, कहते ना आगे हमारे वंश को कौन चलाएगा, हमें पिंड कौन देगा, हमारा वंश कौन, बच्चा वंशों को रखा करता है। पहले जब नामकरण होता था वो ऐसे नाम नहीं, ऐसे नाम होता था जो उसको पिता और उसको पिता दोनों का अक्षर बेटे में रहनी चाहिए। जैसे राम, बताओ राम का पिताजी का नाम क्या था? बोलो कौन बोलेगा? दशरथ। दशरथ ये जो रा अक्षर है वो लिया राम से, दशरथ से, इसलिए पहला अक्षर क्या हो गया? ला। फिर उनको पिताजी का नाम क्या था? आज। वहां से लिया अ, इसलिए हुआ रा और मां हुआ। ये वशिष्ठ ने ऐसे नाम रखे। जैसे कृष्णा, बोले उनको पिताजी का नाम किया, बोले नंद। स्ना में जो ना है वो नंद बाबा का नंद से लिया है। बोले उनको पिताजी का नाम, बोले परिजन बाबा, वहां से लिया र। क्री में जो री मात्रा वहां से लिया है, इसलिए उनका नाम रखा कृष्ण। इसलिए पहले जब ज्योतिष नाम रखते थे पिताजी की, पिताजी का दोनों अक्षर वहां से लेकर के वो बच्चा का नाम रखते थे। जैसे बच्चे के ऊपर में उसी खानदान की उसकी संस्कार पड़े और बच्चा भविष्य में हमारी हाँ घर की महिमा को अपना खानदान की उजाला करे, ये नियम है। इसलिए श्री गर्गाचार्य ने बोले, नंद श्री वसुदेव महाराज गर्गाचार्य को बोले, बोले जाओ अब जा करके मेरे बेटा का एक नामकरण करा के आओ, जैसे मेरे साथ में मिलता जुलता हुआ। गर्गाचार्य खुश हो गए, अहो भाग्य, ठाकुर का नाम कर। ठाकुर के छोटे छोटे नन्हे नन्हे चरण हैं, छोटी छोटी हाथ है, देखना किसी छोटे बच्चे को गोद में लो कितना आनंद लगता है। और साक्षात परात पर परम ब्रह्म को मैं गोद में लेकर के उसका मैं नामकरण करूँगा। गर्गाचार्य प्रसन्न होकर के नंद बाबा के घर में आए। नंद बाबा जब देखा गर्गाचार्य जैसे साधु मेरे घर में, इतने खुश हो गए, बोले आज तो मेरे गृह पवित्र हो गया, हमारी जीवन धन्य हो गया है। वो कहते हैं बोले महत विचलनाम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निस्रसाय भगवत अन्यथा कल्पति गोचित। बोले भैया घर में संत क्यों आते हैं, क्या कारण है? नंद बाबा कह रहे हैं बोले इसलिए आते हैं, हम लोग ने मातृ गर्भ में भगवान को वायदा हमने किया है कि भगवान कपिल देव अपना माँ को कह रहे, बोले माँ जब माँ की पेट में बच्चे का 7 महीना हो जाए उसको पूर्व स्मृति आने लग जाती है, बच्चा पेट में घूमना शुरू कर देता है, वो देखता है मैं टाटी पेशाब का थली में पड़ा हुआ, सर नचा और प्यार ऊंचा भगवान को पुकारता है, बोले हे प्रभु मैंने ऐसे कौन सा कुकर्म किया जो कि ये टाटी पेशाब का थली में पड़ा हुआ। हजार जन्म की बात याद आता है, पूर्व पूर्व जन्म में मैंने कैसे उल्टा पुल्टा काम करके पैसा को कमाया, उसी समय तो पूरा परिवार हमारे साथ दिए थे, लेकिन जब उसका कर्म का फल भोग कर रहा हूँ, वो पति कहाँ, वो पत्नी कहाँ, बच्चे कहाँ हैं, वो एक भी साथ में नहीं रहते हैं। उसको फिर उसको स्मरण होता है भैया संसार का मतलब का संसार है, संसार झूठा संसार है। फिर उसने भगवान को पुकारता है, बोले प्रभु मेरे को ये नरक से निकालो। भगवान कहते बताओ निकालूंगा तो करोगे क्या, बताओ तुम तो। बोले मैं समझ गया हूँ संसार में कोई किसी का है ही नहीं, ये मतलब का संसार है, एक बार केवल जन्म दे दो, उठते बैठते सोते तेरे नाम लूंगा, तेरे भजन करूंगा। बोले ऐसे तो नहीं, यहाँ दुख कष्ट में पढ़ करके बोल रहे हो भजन करोगे भजन करोगे, जन्म दे दिया तो फिर सब कुछ भूल जाओगे। बोले भगवान भगवान कौन होता है, हैं ये भगवान भगवान कौन होते हैं, ऐसे तो नहीं करोगे? बोले प्रभु एकदम नहीं करूंगा। फिर ठाकुर जी कहते हैं बोले देखो मैं फिर बीच में संत रूप धारण करते हुए आऊंगा और फिर तुमको याद दिलाऊंगा मातृ गर्भ में तुमने क्या कसम खा कर गाया था। भगवान कहते हैं उस
जीव कहता है, बोले प्रभु अगर एक बार मेरे को स्मरण करा देना, मातृ गर्भ में मैंने भक्ति करने के लिए मैंने वायदा करके आया था, फिर तो उठते बैठते सोते में तेरा ही नाम लूंगा, तेरा ही नाम जप करूंगा। इसलिए यहाँ पर नंद बाबा कहते हैं, भैया घर में संत आए हैं, किस लिए आए हैं? हमें जगाने के लिए आए। मातृ गर्भ में तुमने जो कसम खा करके आया था, अब कितने भक्ति कर रहे हो, कितने भजन करते हो, कितने माला जप करते हो, उसको याद दिलाने के लिए आए। आज तो हमारे गृह पवित्र हो गया, क्यों? घर में आज संत आए, घर में हरि कीर्तन होगा, घर में हरि चर्चा होगी। तब नंद बाबा कहते हैं, तभी ये घर की पवित्रता है जब घर में भक्त आए, घर में ठाकुर का कीर्तन और भजन। लेकिन अभी कोई भक्त तो नहीं आते हमारे घर में, जुआरी और शराबी आते हैं हमारे घर में, जुआरी शराबी हमारे घर में, कोई अतिथि नहीं आते, जुआरी शराबी हमारे घर में आते हैं। संत पद साधु बात नहीं, हरि कीर्तन भक्त कीर्तन कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पर नंद बाबा स्वयं कहते हैं कि कृष्ण के पिता स्वयं कहते, बोले देखो तभी ये गृहस्थ तभी धन्य होता है जब घर में हरि कीर्तन हो, हरि का नाम हो, तभी घर की पवित्रता, नहीं तो घर की पवित्रता नहीं होता है। बड़े प्रसन्न बड़े खुश हो गए, वो अपने आप बोल पड़े, जब आप कृपा करके आप आए हो, हमारे दोनों बच्चों का नामकरण करा दो। वो तो इसलिए आए थे, बोले कोई बात नहीं, दोनों बच्चों को लेकर के आओ। अभी कृष्ण बलराम को लेकर के आए, पहले बड़ा बेटा का नामकरण करते हैं, ध्यान लगाए ये बच्चा कौन है, वो तो त्रिकाल दृष्टा ऋषि थे, ध्यान लगा करके देखा, बोले शंकर सनक साई कारण साई तो गर्भोद साई से सास जस्यांश सकला स नित्यानंदाख्य रामम शरणम प्रपत्ति। बोले हे नंद बाबा, तेरे जो बेटा है ना, इसका नाम होगा बलराम। बलराम क्यों होगा? बोले बलाधिक्यात बलम विदु, ये बड़ा बलवान बनेगा। राम मतलब सबको जो आराम देगा, शांति देगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। इसका और एक नाम होगा शंकरसन। पहले तो ये आए देवकी गर्भ में, फिर जोग माया उनको आकर्षण करके उन्होंने रोहिणी गर्भ में स्थापन की, इसलिए एक बलराम और एक इसका नाम होगा शंकरसन। अभी छोटे बट्टे कृष्ण का नामकरण होगा, गर्गाचार्य ध्यान लगाए, विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने देखा। अभी तो चिंता में पड़ गई, बच्चे का नाम क्या दे, क्यों? जिसका एक दो चार दस नाम होगा ना, कोई तो नाम दे दो। लेकिन देखा सारा दुनिया में जितने नाम तो इसका ही नाम है, वो आंख नहीं खोल पा रहे थे, क्यों? विश्व ब्रह्मांड को देख रहे थे, ये बच्चा है कौन। नंद बाबा तो तरस रहे थे, भैया छोटा लाला का नाम क्या होगा। उन्होंने हाथ पकड़ कर हिलाए, बोले बाबा बताओ बेटा का नाम क्या होगा। बोले तुम्हारा जो बेटा है ना, बोले आसन वर्णास्त्रय जस्य गृह्णोत अनुजुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णताम गत। बोले तुम्हारी ये बच्चा हर युग युग में आया है, सत्य युग में इसने शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, त्रेतया युग में ये रक्त वर्ण धारण करके आया था, और कलयुग में ये नवद्वीप में श्री सचिनंदन गौर हरि श्री महाप्रभु का रूप में आएंगे, सर्वत्र ही हरि कीर्तन का प्रचार करेंगे। बोले इदानी अभी कृष्णताम गत, अभी ये कृष्ण रूप लेकर के आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण नाम होगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले बाबा तुम्हारी जो बेटा है ना, जब जब इसी जगत में कृष्ण कहते ना, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान धर्मस्य तदात्मान सृजाम्य, कहते जुग जुग में मैं अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ, संतों को मैं पालन करता हूँ, तेरे जो बच्चा हर युग में हरि अनंत हरि कथानंत, बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे। लेकिन वहां पर मैया जसोदा भी बैठी हुई थी, अभी मैया जसोदा तो बूढ़ी हो गई, क्यों? बूढ़ी उम्र में कृष्ण जन्म हुई है। अभी मैया सोच रही है ये ज्योतिष तो कोई काम की बात नहीं कर रहे, ये सब बिना काम की बात करते जा रहे हैं, ये सत्य युग में था तृतीया युग में द्वा, अरे इसमें हमारा क्या मतलब है? देखो हर माताएं क्या सोचती हैं, इनकी सोचना है लाला कब जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए और लाला की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, क्यों?
जब तक घर में बहू नहीं आती है तब तक माताओं को घर का सारे काम काज करना पड़ता, लेकिन जब घर में बहू आ जाए ना सारे काम बहू संभाल लेती है, फिर तो माताओं को विश्राम मिलती है। इसलिए मैया सोच रही थी बुरी अवस्था में लाला भयो, अभी कब तक घर का काम करूं, ज्योतिष ये तो बताए कब लाला बड़ा होएगा, घर में कितने बहू आएगी, कैसे कैसे आएगी, ये बात तो थोड़ी बताई, ये तो बात बताई नहीं रहे, बिना काम की बात, सत्ययुग तृतीयायुग हमारा क्या मतलब है। इतने में श्री गर्गाचार्य ने एक श्लोक बताया, मैया जसोदा तो भोली भाली हैं, देखो एक श्लोक ऐसे दो अर्थ होता है, वो कह रहे हैं बोले बहुनी संति नामानी, बोले तुम्हारी जो बेटा है ना इसकी अनंत नाम है, अनंत रूप, अनेक गुण। देखो इसी श्लोक को मैया कैसे लगा रही है, मैया सोच रहे हैं बहुनी संति नामानी, साथ ज्योतिष ये कह रहे हैं तुम्हारी जो बहू तुम्हारी जो बेटा है ना बहुनी संति, शायद तुम्हारी बहुत सारे बहुएं होएगी। मैया तो खुश हो गई, बोले अच्छी बात है, क्योंकि जितना बहू होगा उतना तो सास की सेवा करेगी ना। पहले पहले राजा बहुत शादी करते थे, और सचमुच से कृष्ण जब वृंदावन में राधा रानी तो है ही है, ललिता विशाखा चंपकलता तुंग विद्या चित्रा सुचित्रा, भगवान सौ करोड़ गोपियों के साथ में रास किए, जब कृष्ण द्वारका जाते हैं कृष्ण की 16,108 पटरानी, बोले रूप कोई काली कोई गोरी, बोले कोई बात नहीं, काली कौन थी, कालिंदी थी, काली वो थी, काली जमुना की जल काली है ना वो काली थी, कोई गोरी थी, कोई सवर्ण वर्ण की थी, बोले कोई बात नहीं वो होनी चाहिए हैं। मैया तो इतने खुश हो गई, बोले ज्योतिष अभी काम की बात बताए, उन्होंने बड़ी खुश होकर एक लाला को ज्योतिष के चरण में डाल दी, बोले बाबा लाला को आशीर्वाद दो। अभी गर्गाचार्य तो डर गए, क्यों, उनको पता ये कृष्णा है बांके बिहारी विश्व ब्रह्मांड का मालिक, कहाँ मेरे चरण में गिरा रहे हैं, ऊपर ऊपर से थोड़ा आशीर्वाद दे करके बड़ी खुश होकर चले गए। अब चले गए अभी जितने बड़ी बूढ़ी पूछे, बोले बताओ ज्योतिष ने लाला का नाम क्या धरो है, बोले बड़ा बेटा का नाम तो रखा बलराम और छोटा बेटा का नाम रखा कृष्ण, बोले नाम तो बड़ा सुंदर है लेकिन ये जो कृष्ण नाम बड़ा टेढ़ा है, देखना जब तक ये जीवा तीन बार पलट नहीं जाए ये कृष्ण नाम ही नहीं निकलता है, इनकी रूप भी टेढ़े, इनकी गली भी टेढ़ी, इनकी देखने भी टेढ़ी, इनकी चलना सब इनकी टेढ़े टेढ़े है। इसलिए संतों ने बोले तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, गोकुल तेरी टेढ़ी, जमुना तेरी टेढ़ो, टेढ़ोड़े टेढ़ो तेरी जसोदा डोकरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नगरिया। बोले भैया ये नाम तो बड़ा टेढ़ा नाम है, कोई बात नहीं ये नाम तो जन्म पत्री में रहने दो, लेकिन हम घर में बुलाने के लिए कलुआ और बलुआ, छोटा बेटे का नाम कृष्ण से कलुआ बोलेंगे और बड़ा बेटे का नाम बलुआ, बोले प्यार का नाम उन्होंने कलुआ और उन्होंने बलुआ नाम रख दिए। बोले कलुआ बलुआ की जय, जय श्री राम। एक दिन कृष्ण सोच रहे थे ब्रज में जो कोई आए हैं, कहते ना राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिली जाए, जो कोई आए एक चीज प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा भी यही प्रार्थना किए हैं, बोले तद भूरी भाग्य मिह जन्म किम अटव्याम, कब मेरा ऐसे सौभाग्य होगा ब्रज में ये पत्थर जन्म रूप में जन्म हो, ये ब्रजवासी अगर मेरे सर पर चरण रगड़ेंगे इनकी चरण धूल मिले तो धन्य हो जाऊंगा, ब्रह्मा कहते हैं। शंकर जी स्वयं गोपीश्वर बन करके आते हैं और उद्धव जी कहते क्या कभी मेरा ऐसे सौभाग्य होगा, बोले कौन सा सौभाग्य है, बोले ब्रज वृंदावन में गुल्म लता औषधि नाम, यहाँ के मैं घास बन जाऊं, बोले घास क्यों बनने के लिए प्रार्थना करते हैं, बोले गोपियां जब चल करके जाएगी अगर घास बनेगी तो उनकी चरण की धूल मिल जाएगी, बोले लता क्यों बनना चाहते हैं, बोले कृष्ण जब कुंज कुंज में लीला करेंगे ठाकुर का लीला के दर्शन होगा, बोले औषध वृक्ष क्यों बनना चाहते हैं, बोले कभी अगर बीमार पड़ेंगे दवा तो लेंगे ही उनके हृदय में चला जाऊंगा। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं भैया जो आए वो एक चीज की प्रार्थना करते हैं, राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए। भैया ये ब्रज धूल में है क्या चीज, ये विश्व ब्रह्मांड ये ब्रज धूल क्यों चाहते हैं। एक दिन कृष्ण सखाओं को साथ में खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट में ठाकुर जी मिट्टी खा ली, सखाओं ने मना की लेकिन कृष्ण सुने ही नहीं, सखाओं ने मैया से शिकायत कर दी,
बोले मैया आज कन्हैया इतने मिट्टी खा रहा है, किसकी बात ही नहीं सुन रहा है। इतने में मैया ने लठिया लेकर के आ गए और एक हाथ में तो सीधा कान को पकड़े और दूसरे हाथ में लठिया को लेकर के, बोले कन्हैया सही सही बताओ तुमने मिट्टी खाई कि नहीं। बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले ये सखा लोग जो बोलते हैं तुमने मिट्टी खाई। बोले मैया आज कहा भयो तेरे को पता है। बोले कहा भयो। बोले ये सखा लोग अपना घर घर से लड्डू मिश्री और ये सबके सब चोरी चोरी करके लाते हैं। मैया तेरे को पता मैं कभी चोरी का चीज खाता है नहीं। मैया बोले मेरे को पता तू करता क्या नहीं करता है, अरे मैंने खाया नहीं ना। सखा लोग समझ गए इसने तो लड्डू कचौड़ी खाया ही नहीं, हो सकता है घर में चुगली कर देगा। और मैं चुगली करने से पहले हमारे नाम पर ये लोगों ने चुगली कर दी तो इनको बात में जल्दी आ जाती हो। बोले भैया फिर ये दाऊ भैया की झूठ बोलते। बोले दाऊ तू सच बता कृष्णा मिट्टी खाए कि नहीं। बोले भैया मैंने देखो ये अपना आंखों से मिट्टी खाते हुए फिर कृष्ण कहाँ जा रहे। कृष्ण ने कहा भैया जो दाऊ भैया ना वो ऊपर में देखने तो गोरो है लेकिन अंदर से बोले कारो है, लेकिन मैं ऊपर तक कारो हूँ लेकिन अंदर से मैं गोरो हूँ। देखो कृष्ण बड़े तत्व की बात कहते हैं। बोले बलदेव प्रभु ऊपर में गोरे लेकिन आप ब्रज में जाओ कहीं भी बलदेव प्रभु को देखोगे ना कहीं आप गोरे नहीं देखोगे, सब जगह में आप देखो काले काले देखोगे। क्योंकि वो कृष्ण चिंतन करते करते इन्होंने काले हो गए और कृष्ण ऊपर में काले लेकिन अंदर में गोरे, मतलब बोले आत्मा तू राधिका है। बोले मेरे आत्मा कौन है? बोले आत्मा मेरी श्री राधा रानी, मैं राधा रानी को चिंतन करता हूँ इसलिए मैं अंदर में गोरो हूँ। इतने में कृष्ण ने सोचा अगर मैं बोल दूं मैया अगर मैंने मिट्टी खाई तो मुंह से खाई ना, इसलिए तो मैं मुंह खोल कर देख ले। कृष्ण सोच रहे थे शायद मैया सुनी लगी है लेकिन मैया कहाँ सुनने वाली। मैया तो एक धमकी लगाई बोले तू मुंह खोल मैं देखना चाहता हूँ। इतने में कृष्ण ने अपना मुंह को खोल दिया तो विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने दर्शन की, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड। मैया जसोदा अपनी आप को उसकी अंदर में मैया अपनी आप को देख रही थी। इतने में तो मैया डर गई बोले हे भगवान मैं क्या अलाई बलाई मैं क्या देख रही हूँ, मेरे लाला के ऊपर में कोई भूत का सवार तो नहीं हो गया। मैया की मन मन में ये भावना आई हो ना हो मेरे लाला तो भगवान नहीं, क्यों भगवान की गर्भ में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में ठाकुर जी के पेट में होता है। मैया सोचने लगी शायद मेरे लाला भगवान है, मेरे लाला भगवान है। इतने में तो डर गई मैया जसोदा। जब डर गई कृष्ण भी डर गए बोले क्यों? बोले मैया को अगर पता चलेगा मैं भगवान हूँ, जैसे अपना घर में नारायण के लिए छोटी सी मंदिर बना करके रखी और वहां पर थोड़ी सी बातासा नहीं तो दूध भोग लगा देती है और तमेव माता च पिता तमेव घंटी ला करके फिर ठाकुर को घर में बंद कर देते हैं। अगर पता चलेगा मैं भगवान मेरे लिए भी छोटी सी मंदिर बनाएगी फिर मेरे को भी अंदर में बंद कर देगी। मैं जो सखाओं के साथ में खेलता कूदता हूँ फिर तो ये खेलना कूदना सब बंद हो जाएगी, ये सारे खेलना कूदना बंद हो जाएगी। इतने में कृष्ण जब डर गए ना, इतने में इनकी इच्छा शक्ति योग माया ने सारे ब्रह्मांड रूप को उन्होंने अंतर ध्यान कर दी। फिर देखा वही छोटो सो बालक वही छोटो सो मुंह और कुछ है नहीं। देखो आप लोग ध्यान देकर सुनो, आप लोग ये बताओ भगवान कृष्ण मिट्टी खाए कि नहीं, बताओ बताओ खाए कि नहीं? खाए ना। फिर भगवान ये झूठ कैसे बोलते मैंने मिट्टी नहीं खाई? दुनिया बोलेगी क्या भगवान जब झूठ बोले कोई दोष नहीं, जब हम लोग झूठ बोले उसमें दोष ही दोष है, लोग बोलेंगे ना ऐसे। लेकिन हमारे श्री वल्लभाचार्य जो बहुत बड़े संत हुए वो कहते हैं भगवान कभी भूल नहीं बोलते हैं, अगर भगवान झूठ बोलेंगे ना ये विश्व ब्रह्मांड भी झूठा हो जाएगा, उसका दुनिया झूठा हो जाएगा। भागवत का पहला श्लोक है सत्यम परम धीमही, वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। ठाकुर जी जब मातृगर्भ में आए 33 करोड़ देवता भक्त प्रभु को स्तुति की है बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सज्वनी नीतम च सत्य
सत्य स सत्य अमृत सत्य नेत्री सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपति। ये ब्रह्मा शंकर दुर्गा 33 करोड़ देवता ये बोल रहे हैं। कौन है? बोले सत्य व्रतम, बोले जिनका व्रत ही सत्य है, हैं? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, जो पहले अभी बाद में जो सनातन है, जिनका धाम सत्य, जिनका भक्त सत्य, स्वयं जो सत्य है, त्रिकाल में जो सत्य है, ये सारे देवता लोग बोल रहे हैं। पर ठाकुर जी झूठ कैसे बोलेंगे? तब श्री बल्लभाचार्य कहते भगवान झूठ नहीं बोले, बोले अभी तो झूठ बोलते, मैंने मिट्टी नहीं खाई, मिट्टी खा लिया, बोले खाई नहीं। देखो ये उन्होंने दो उदाहरण दिए, ये चीज को आप समझो। खाना किसे कहते हैं? हमसे जब कोई चीज अलग होता है उसको खाओ तभी खाना कहते, तब तो खाना कहते हैं ना। भगवान जो विश्व रूप दिखाए, बोले माँ तू कहते हो मैं मिट्टी खाया, मैं मिट्टी खाऊ खाया, विश्व ब्रह्मांड तो मेरे अंदर में ही है, मेरे से तो कोई अलग चीज है ही नहीं। अलग जब होगा, जब मैं खाऊं तभी तो खाना होगा ना। देख माँ विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, ये एक कारण दिखाए। दूसरा बताए, ये संस्कृत शब्द है, इस शब्द आप अगर थोड़े लिखे पड़े होंगे, ये शब्द ना अहम भक्षित भानवो, इस शब्द को जो संधि करते हैं ना अहम, ना अहम ना मतलब नहीं, अहम मतलब मैं नहीं मिट्टी खाई, तब संधि करोगे तो हो जाता है ना अहम। लेकिन जब संधि नहीं करोगे, एक शब्द करोगे, होता है नाहम। नाहम का पर्यायवाची में एक अर्थ होता है ब्रह्मांड। कृष्ण ने कहा भैया तू कहते हो मैंने मिट्टी खाई, नहीं भैया ना अहम भक्षित, ना मतलब ब्रह्मांड को मैंने खा करके रखा। तू साधारण मिट्टी का क्या बात करते हो, तेरे को विश्वास नहीं हो रही, विश्व ब्रह्मांड मैंने खाया, ले ले देख। उनने मुंह खोले तो विश्व ब्रह्मांड को ठाकुर जी ने विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिया। ठाकुर कभी झूठ नहीं बोलते हैं ठाकुर जी। अभी प्रश्न है ठाकुर भैया, ठाकुर जी ये मिट्टी खाए क्यों हैं? ठाकुर जी मिट्टी क्यों खाए? कभी जो ब्रज रज है ये साधारण वस्तु नहीं है, इसलिए रसखान कहते हैं भैया ब्रज में जाकर के दो काम तो जरूर करो। बोले क्या करो? बोले रमन रेती लेटो नहीं कियो ना जमुना पान। पहले जाकर के रमन रेती में, जहाँ पर ठाकुर जी अपना भक्तों को साथ में विहार किया, पहले जाकर के लोट भट खाओ हैं, क्योंकि ब्रज रजे ब्रह्मा भी जिसकी चरण धूलि चाहते हैं, उद्धव शंकर भी जहाँ की एक धूल की प्रार्थना करते हैं। बोले कियो ना जमुना पान, और जमुना में जरूर आचमन लो, जमुना में स्नान करो। बोले क्यों? ये जमुना नहीं, बोले ब्रह्म द्रव्य गात्रम, जब भगवान की प्रेम द्रवीभूत होकर के ये पानी रूप धारण करती है यमुना, जब कृष्ण प्रेम एकट्ठे होकर के जम जाता है, ये श्री गिरिराज को बढ़ता है। इसलिए भगवान तक गए दुनिया से, लेकिन ये हमारे लिए ठाकुर जी केवल तीन चीज छोड़ कर गए, हमारी कल्याण कैसे होगा? वो तीन चीज क्या है? एक तो ब्रज धाम ब्रज धूली, दूसरा श्री यमुना पटरानी, और तीसरा श्री गिरिराज बाबा। ये गिरिराज बाबा नहीं, ये स्वयं भगवान कृष्ण ये गिरिराज रूप धारण किया। इसलिए जो कल की जो विशेष जो पूजा है हमारी, यहाँ पर श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा है, हैं? कल गिरिराज की हम अच्छे तरह से परिक्रमा करेंगे, गिरिराज की भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे। इसलिए गिरिराज का एक नाम है सर्व अभीष्ट प्रदाता। मतलब क्या है? आप जो कुछ श्री गिरिराज से प्रार्थना करो, जो कुछ गिरिराज से प्रार्थना करो, गिरिराज सब इच्छा पूरी करते हैं। आप लोग बताओ तो कौन कौन गिरिराज गए हैं? हाथ उठाओ कौन कौन गिरिराज गए हो? आप लोग को देखना, आप लोग गिरिराज ध्यान कर देखना, देखना वहां पर गिरिराज पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ, आप देखो जानते हो क्यों पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ? बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए, वो गिरिराज के शिला के ऊपर में जितने शिला रख दोगे ना, ठाकुर जी उतना मंजिली मकान दे देते, इतने महिमा। आप देखो मैं सही घटना बताता हूँ। बड़ों तो मैं एक किसी भक्तों के घर में हम कीर्तन करने के लिए गए तो उसका एक छोटी सी कुटिया थी, लेकिन जब हम दूसरे साल में गए उसको तीन मंजिल विशाल तीन मंजिल मकान। हमने पूछा भैया ये बताओ जब पिछली बार आए थे आपका छोटी सी एक झोपड़ी थी, ये एक साल में तीन मंजिल मकान कैसे हो गया? बोले बाबा एक बार मैंने गिरिराज गोवर्धन गया था, गिरिराज की परिक्रमा लगाई, और गिरिराज की जो शिला है ना, तीन शिला एक शिला तीन शिला के ऊपर शिला में तीन शिला रख करके आया,
ना ठाकुर जी मेरे को 3 मंजिल मकान दे दो। वो स्वयं कह रहे थे, बोले बाबा पता नहीं मेरा जो बिजनेस था वो कैसे बढ़ा मेरे को पता नहीं चला, इतने मेरी कमाई हुई एक साल के अंदर में, एक साल में मैंने ये 3 मंजिल मकान बना दिया। ये सही घटना है। इसलिए हमारे श्री गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति ये गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी उसको पीछे पीछे ठाकुर जी चलते हैं बांके बिहारी। इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा लगा रहा है, इसको मैं क्या दूं। ठाकुर जी स्वयं उसको पीछे पीछे चलते रहते हैं। इतने जो कुछ मांगो, आप देखना गिरिराज जो गए होंगे, जतिपुरा गए होंगे, क्विंटल के क्विंटल दूध वहां पर चढ़ती है, नाली में बहते हुए जाती है। आप देखना मानसी गंगा में भी देखोगे, दान घाटी में भी देखो, क्यों? आप देखना वहां 12 महीना वहां पर दूर दूर से लोग आकर के श्री गिरिराज की पूजा छापन भोग करते हैं। किस लिए? गिरिराज से जो कुछ मांगो गिरिराज झोली भर देते हैं। गिरिराज जी बोले इनकी इतने महिमा क्यों है, कारण क्या? बोले कारण है विश्व ब्रह्मांड गिरिराज की, विश्व ब्रह्मांड कृष्ण पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण किसकी पूजा करते हैं? बोले गिरिराज। ये गिरिराज की पूजा किसने करवाई? स्वयं बांके बिहारी अपने हाथों से गिरिराज की पूजा की। विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी जी को परिक्रमा करता है, लेकिन बांके बिहारी किसको परिक्रमा की? ब्रजवासियों को लेकर के ये गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने परिक्रमा लगाई, कृष्ण स्वयं परिक्रमा लगाई। इसलिए गिरिराज पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं। कल हम लोग की कथा को हम डिटेल्स रूप में, कल ये कथा को गिरिराज की कथा को हम अच्छे तरह से कथा सुनेंगे। ये गिरिराज कौन है, कहाँ से आए, गिरिराज कितने क्यों महिमा है, ये चीजों को कल हम लोग अच्छे तरह से सुनेंगे। हाँ देखो, इसलिए कल हम लोग ये गिरिराज स्वयं बताए, गिरिराज की सेवा में एक अन्न की दाना अगर किसने भोग लगा दिया, किसी जीवन में उसकी घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगी। वो स्वयं गिरिराज बताई ये बात, एक अन्न की दाना कोई अगर भोग लगा दिए, इनके मुंह से ये बात निकली हुई। इसलिए आप देखोगे गिरिराज में 26 महीना वहां पर अन्नकूट चलती रहती है। अन्नकूट क्यों? ठाकुर जिनकी इच्छा पूरी करते आते हैं अन्नकूट करते हैं। इसलिए कल हम लोग भी यहाँ पर करेंगे। इसलिए आप लोग अपना घर से कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी लेकर के आना, बगैर प्याज लहसुन के कोई जैसे कढ़ी चावल ले आना कोई, नहीं तो पूरी हलवा, नहीं तो कोई अच्छी कोई सब्जी जो आप बढ़िया चीज बनाते हो, है जो चीज अच्छी चीज बनाते हो उसको लेकर के कल गिरिराज की सेवा में जरूर आना। और नहीं तो कोई फल, नहीं तो कोई मिठाई लाना, ठाकुर को भोग लगाएंगे। ये प्रसाद आप लोगों को ही ये प्रसाद मिलेगा, जो कुछ लाओगे आपको ये प्रसाद मिलेगा। ठीक है, बोले श्री गिरिराज महाराज की, श्री गिरिराज बाबा की जय, जय श्री राधे। यहाँ पर अनिरुद्ध आया है, माइक एक्स्ट्रा माइक कोई है, माइक दे दो। अब लोग मेरे पीछे पीछे थोड़ा हाथ में ताली बजाते हुए थोड़ा ठाकुर का कीर्तन करता। हाँ बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। देखो मैंने पहले बताया था ना ठाकुर का कीर्तन में जो ताली बजाते हैं, बता हम ताली कब बजाते हैं, किसकी स्वागत में तभी ताली बजाते हैं ना, लेकिन यहाँ पर किसकी स्वागत में ताली बजा रहे हो? ठाकुर की स्वागत। अगर हमारी भाग्य रेखा कोई उल्टा पुल्टा हो, अगर भगवान के कीर्तन में आप ताली बजाओगे भाग्य रेखा ठाकुर बदला देते हैं, केवल ठाकुर ही बदला सकते हैं। इसलिए आप लोग सबके साथ मीठी मीठी ताली को साथ में सब ठाकुर का नाम लो, भगवान का जो नाम है मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर का नाम, इसलिए सब मीठी मीठी ताली बजाते हुए बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राधे गोविंद गो
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल वृंदावन में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे बलिदान गली में राधे राधे दान गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे घर सारे राधे राधे साक्षी कोर राधे राधे चिकित्सौरी राधे 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 बस वृंदावन बिहारी लाल की जय बल आज के आनंद की जय जय श्री राम हरे कृष्ण सामने आ जाओ इधर सामने हरे कृष्ण हाँ देखो हमारे बीच में हमारे एक प्रभु जी खड़े हैं ये 70 इंजीनियर हैं इनकी तनख्वाह 1,00,000 रुपया है ये अच्छी नौकरी करते हैं लेकिन करते हुए भी लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं देखो इनके गले में तुलसी कंठी है तिलक लगाए ठाकुर की माला जप करते हैं बड़ी सुंदर कीर्तन करते हैं बड़ी अच्छी सुंदर कीर्तन और कथा भी बड़ी सुंदर कथा भी सुनाते हैं कथा भी सुनाता हूँ इसलिए देखो आप लोग तो सबके सब पुराने पुराने आदमी हैं इसलिए आप लोग के अंदर में भक्ति की भावना है लेकिन जितनी ये कलयुग आते जा रही ना धीरे धीरे हमारी संस्कृति धीरे धीरे बिगड़ती हुई जा रही है बच्चे स्मार्टफोन इंटरनेट और ये सब सब चला चला करके अभी धीरे धीरे ये बच्चे लोग एकदम नास्तिक बनते जा रहे हैं अभी सवेरे कोई उठ करके पिता माता के चरण नहीं छूते हैं कोई गुरुजनों का आदर नहीं करते भैया इसी समय कोई काम नहीं करना चुपचाप बैठी जाओ कीर्तन जब कीर्तन हो तभी आप लोग सामने आओ नहीं तो सामने कोई डिस्टर्ब मत करो एकदम चुपचाप बैठ जाओ अभी ये बच्चा अभी कैसे हम अपना बच्चों को कैसे सुधारे इनकी कैसे भक्ति मार्ग में कैसे ले जाए इनके अंदर में भी अच्छी संस्कार पड़े सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छुए गुरुजनों को आदर दे अपना घर को भगवान के धाम कैसे बनाए अभी हमारी ये बच्चा इसी विषय पर आप कुछ बात बताएंगे ये साइंस को लेकर अभी साइंस जो है ना जब तक कोई साइंस के ऊपर मत बताओ ना ये कथा को तो सबके सब मैं सबके झूठा मानने लग गए अरे भगवान कौन थे कृष्ण कौन थे ये सब कल्पना चीज ये बच्चा आपको साइंटिफिकल कुछ बात बताएंगे भगवान है क्या नहीं और कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडों प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में मेरा अनंत कोटि दंडों प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योगदान। आज हम लोग सभी लोग यहाँ बैठ करके ठाकुर जी की जो हरि कथा सुन रहे हैं, समझो हमारे ऊपर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। क्यों? क्योंकि एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात बताई, आप लोग सब ध्यान से सुनो और इस श्लोक को भी मन में बिठाना। भगवान कहते हैं, न हम बसामि वैकुंठे जोगिनां हृदय नवै मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते हैं, ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी नहीं होता हूँ। योगी नाम हृदय नवै, जो बड़े बड़े योगी मेरा ध्यान लगा करके बैठे होते हैं उनके हृदय को भी मैं लांग जाता हूँ। लेकिन मद भक्ता यत्र गायन्ति, लेकिन जहाँ मेरे भक्त बैठ करके, जैसे आप बैठे, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, जहाँ मेरे भक्त बैठ करके मेरे नाम और मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहीं पर ही रहता हूँ। इसका अर्थ यह है कि ठाकुर जी यही है। और इससे क्या प्रमाण है ठाकुर जी है ये? जितनी देर भी आप कथा में बैठोगे ना, सब कुछ भूल जाओगे। अगर जीवन में कोई सुख कोई दुख कुछ भी होगा, सब भूल जाओगे। ठाकुर जी कथा का बड़ा अद्भुत महत्व होता है, पर शर्त यह है कि मन से यहाँ पर बैठना हो। अगर मन कहीं और तो हम भी वहीं। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। दूसरा, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 60 या 70 से लगभग ऊपर हो गई? हाथ उठाओ। 60-70 के आसपास आयु जिनकी हो गई, जोर से अच्छा करके हाथ उठाओ। माता जी में से कोई बूढ़ी नहीं है? माता जी नहीं आई? माता जी लोग, देखो ये जो लोग है ना, मैंने ये हाथ क्यों उठवाया, ध्यान से सुनो सब लोग, देखो ये हाथ क्यों उठवाया, बताओ क्यों उठवाया ये हाथ? ये जितने भी लोग है ना, ये जितने भी लोग हैं, जब इन्होंने हमको ये देश हाथ में दिया, क्या दिया? हमारी पीढ़ी को जब इन्होंने ये देश हाथ में दिया तो कैसा दिया था, कोई बता सकता कैसा दिया था? नदियों से पानी सीधा पी सकते थे, पी सकते थे कि नहीं पी सकते थे? नदियों से पानी पिया जा सकता था, हाँ, पेड़ से तोड़ के फल को खाया जा सकता था, खेतों में कम था जब इन्होंने दिया था। ये सारी की सारी जो समस्या है, ये कितने साल में हुई है बताओ? लगभग 25 से 30 साल। कितने साल? कितने लोग मेरी बात से सहमत है, हाथ उठा कि हाँ, ये जो भी समाज में गड़बड़ी हुई है ये 25 से 30 साल में हुई, सब मानते हो ना? क्यों हुई, क्यों हुई? ये इसलिए हो गई क्योंकि 25 से 30 साल पहले ही टीवी आया था। क्या आ गया था? टीवी, इंटरनेट, और विदेशियों को देख देख करके हम उनको कॉपी करने लगे, उनको कॉपी करने लगे, उनकी नकल उतारने लगे, और नकल उतारते उतारते हम उन जैसा बनना चाहते हैं। किनके जैसा? उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा सुंदर दिखना चाहते हैं। सब लोग ट्रिप पाउडर आजकल लगा रहे हैं, उनके जैसी गाड़ियां होनी चाहिए, उनके जैसे कार होनी चाहिए, उनके जैसी सड़कें होनी चाहिए। किसके पीछे भाग रहे हैं? अमेरिका के पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? अमेरिका कहां पर है? अगर आप दुनिया का नक्शा देखोगे ना, अमेरिका एक पश्चिमी देश है। कौन सा देश है? पश्चिम की ओर अमेरिका है। इसलिए बोलते हैं ना पाश्चात्य संस्कृति। क्या बोलते हैं? पाश्चात्य संस्कृति। और भारत कौन सा देश है? भारत एक पूर्वीय देश है, जहाँ पे सबसे पहले सूर्य की किरण हिमालय पे पड़ती है। पूरी दुनिया में जब सूर्योदय होता है सबसे पहले किरण कहाँ पड़ती है? भारत, भारत पे पड़ती है। इसलिए भारत एक पूर्वीय देश है। अगर हमारी संस्कृति पूर्व से उठ करके पश्चिम की ओर जाएगी तो हमारी संस्कृति का अस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्त। हमें ये नहीं होने देना। और ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है?
जो आज ये लोग बैठे हुए हैं ये इनकी जिम्मेदारी है। ताकि आगे चलकर 1000 साल बाद 500 साल बाद 150 साल बाद जब लोग पूछे कि ये गड़बड़ कब हुई थी, किन लोग कौन लोग जिम्मेदार है, तो आप लोगों का नाम ना है इसके अंदर कि ये लोग जिम्मेदार हो। क्यों? क्योंकि 25 से 30 साल के अंदर आप लोग भी हो, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान में कचरा हटाया जा रहा है ना, पूरे भारत से कचरा साफ हो रहा है ना, इसी प्रकार ये दिमागी कचरा जो हमारे अंदर भरता चला जा रहा है उसको भी साफ करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। सड़क का कचरा मोदी जी साफ करेंगे और ये मन का कचरा गुरु जी साफ करेंगे, ठीक है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, एक खबर आई थी कि राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट से रिजल्ट आया कि राम मंदिर वही बनेगा जहां रामलला का जन्म हुआ था। आप लोग सच सच दिल से बताओ कितने लोगों को हृदय से प्रसन्नता हो गई कि हाँ ये बहुत अच्छा है। हुआ ना, बोल दो जय श्री राम, इसमें कोई हर्ज नहीं। अब आप एक बात बताओ, क्या अपने दिल पर हाथ रख करके बोलो सब लोग, क्या राम मंदिर बन जाने से राम राज्य आ जाएगा? दिल पे हाथ रख करके सोचो, क्या सभी स्त्री माँ सीता जैसे हो सकते हैं? क्या हर एक बेटा राम लक्ष्मण जैसा है? क्या भाइयों का संबंध भरत राम जैसा है? हाँ, क्या कोई हनुमान जैसा वीर है? कोई सेवक हनुमान जैसा? तो बताओ राम राज्य पे कैसे आया? राम राज्य राम मंदिर बनने से नहीं आएगा। राम राज्य कब आएगा? राम राज्य जब आएगा जब हम रामायण को पढ़ेंगे और रामायण के चरित्र को अपने जीवन में उतारेंगे। कितने लोग मेरे बात से सहमत है, हाथ उठाओ। तो आप लोग सबकी जिम्मेदारी है कि जो नई पीढ़ी आ रही है, उनको रामायण की शिक्षा हमें देनी होगी। क्या देनी होगी? रामायण की शिक्षा देनी होगी। उनको बताना होगा कि देखो जो भगवान परात्पर, उनसे ऊपर कोई नहीं, वो भी जब नर्मद लीला करते हैं तो सुबह उठ करके माता पिता के चरण छूते हैं, गुरु जी के चरण छूते हैं। बच्चों को ये शिक्षा देनी पड़ेगी। बच्चों, स्त्रियों को भी शिक्षा देनी होगी कि कैसे स्त्री का चरित्र होता है। आप देखो माँ सीता को देखो, क्या सुंदर, रामायण सबने पढ़ी है ना, सुनी होगी, देखो क्या चरित्र। अगर आप खुद सोचो कि अगर हमारे बच्चे लवकुश जैसे हो जाए, हमारे भाई बंद भरत लक्ष्मण जैसा संबंध हो जाए, पिता पुत्र का संबंध दशरथ और राम जैसा हो जाए, तो क्या राम राज्य नहीं आ जाएगा? इसलिए एक भजन बड़ा अच्छा, मेरे को बड़ा अच्छा लगता, आप भी सुनो। देखो सब लोग आंख बंद करके ध्यान से सुनो, देखो कितना सुंदर ये भजन है। कब राम राज्य आएगा? जब नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो, त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। बस राम राज्य आ गया समझो, ठीक है। इसलिए अगर ऐसा हो जाए तो घर बैठे हमारा घर अयोध्या धाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अयोध्या धाम बन जाएगा। इसलिए इसी चीज की हमें कोशिश करनी चाहिए। बच्चों को संस्कार देना होगा। स्कूल में जाकर के बच्चे संस्कार नहीं सीखते, मैंने खुद पढ़ाई करी कभी नहीं सीखा, स्कूल में कोई संस्कार नहीं है। स्कूल में केवल एक ही शिक्षा सिखाई जाती है कि ये पैसा कैसे कमाना है। क्या शिक्षा मिलती है? ये पैसे कैसे कमाना है। अगर ये पैसे कमा लेने से, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद लेने से, बड़ी बड़ी नौकरी मिल जाने से, बड़ा बड़ा डेवलपमेंट बिल्डिंग्स ये सब बन जाने से अगर सुखी हो सकते थे तो आज अमेरिका सबसे सुखी देश होता। होता कि नहीं होता? लेकिन रिसर्च अमेरिका की खुद की, जाओ वेबसाइट पे जाकर के देख लो, आजकल सब मोबाइल चलाते हैं। अमेरिका के अंदर 7 करोड़ लोग बिना नींद की गोली खाए नहीं सो सकते। कितने करोड़ लोग? उनको रात में सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है। बताओ वो सुखी है कि दुखी है? तो भारत सुखी है कि नहीं? सुखी है। देखो कथा में 3 मिनट में नींद आ जाती है।
और कितनी तो सो भी रही होंगी माता जी, नींद आना भी बहुत बड़ी बात है भैया, जिनको नहीं आ रही उनसे पूछो, सच सच बात। ये तो ठीक है, ये सब मजाक की बात, अब सीरियस बात, गंभीर बात। गीता भगवान ने क्यों बोली? गीता पे हाथ रख के कसम कोर्ट में खिलवाई जाती है, लेकिन स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती, बड़ी विडंबना है। अगर पढ़ा दे तो बोलेंगे सेक्युलरिज्म को खतरा हो गया, हो जाता है ना खतरा, कई लोग खड़े थे खतरा हो गया भैया, मर जाएंगे। इसलिए गीता स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, तो गीता पढ़ना तो बहुत जरूरी है कि नहीं? अगर ये गलत बात नहीं, अच्छी बात जहां से भी हो उसको सीख लेना चाहिए। अगर आप एक मुसलमान को देखेंगे कुछ भी हो, लेकिन वो कम से कम अगर उनके बच्चों को खड़ा करोगे, किसी को भी बोलोगे, तो कम से कम 13-14 आयत वो कुरान की जरूर सुना देगा कि नहीं सुना देगा, क्योंकि वो रोज नमाज में पढ़ते हैं उसमें 3 टाइम। लेकिन क्या कोई भी यहाँ पर खड़ा होकर के भारतीय संस्कृति क्या गीता के 15 श्लोक कोई सुना सकता है? क्या 10 सुना सकता है? क्या 5? क्या 3? क्या 1? एक भी कोई सुना पाएगा? अब आप बताओ राम मंदिर बनने से क्या होगा? कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। हम जहां है वही के वही रहेंगे, जब तक ये जो ज्ञान ऋषि मुनियों द्वारा हम तक पहुंचाया गया है, भगवान स्वयं आकर के अर्जुन को लक्ष्य करके हमको उपदेश दे रहे हैं गीता में, हम जब तक उसका पालन अपने जीवन में नहीं करेंगे, हम सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए हम लोग जो नए नए बच्चे हैं, यहाँ पर कितने लोग बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते, हाथ उठाओ बच्चों, देखो है काफी सारे बच्चे यहाँ पर। देखो आप ध्यान से सुनो, मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूँ, कुछ बात ऐसी जो ये प्रमाणित करेगी कि हाँ भगवान है। क्या भगवान? क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोगों को ये ही नहीं पता, ये बोलते भगवान भगवान कुछ नहीं होता, बोलते कि नहीं बोलते? नए पढ़े लिखे बच्चे बोलते, क्योंकि उनको स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में तो विशेष करके बताया जाता है। क्या बताया जाता है? तो भगवान भगवान कुछ नहीं होते, जो भी है वो जीसस क्राइस्ट है, पढ़ाते हैं सब उल्टा पुल्टा। इसीलिए जब आप सेमिनार में आओगे, साइंटिफिकली आपको बताया जाएगा, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान है कि नहीं। जिसमें एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, क्या कोई ऐसी वस्तु बनाई जा सकती है जो बहुत बड़ी है? हाँ? बहुत बड़ी वस्तु बनाई जा सकती है कि नहीं बताओ? बनाई जा सकती है। क्या उतनी ही बड़ी वस्तु को एक छोटे से डब्बे में, जैसे मान लो कि 10 मंजिल की कोई बिल्डिंग है, मान लो 10, कोई इंजीनियर होगा, कोई ठेकेदार होगा यहाँ पर, उसने 10 मंजिल की बिल्डिंग बनानी उसको आती होगी। आप में से बहुत लोगों ने अपने अपने घर बनवाए होंगे, बनवाए ना, बनवाए कि नहीं बनवाए? 10 मंजिल की बिल्डिंग बनवाई, क्या ये 10 मंजिल की बिल्डिंग को, ये मेरी उंगली है, इतने बड़े गैप में आप रख सकते हो? कौन रख सकता है बताओ, हाथ उठाओ कि मैं रख सकता हूँ? कोई नहीं रख सकता। लेकिन अब आप देखो, किसी ने बरगद का पेड़ देखा है? कितने लोगों ने बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ देखा, हाथ उठाओ, कितना बड़ा होता है? विशाल, बहुत विशाल। लेकिन उसकी पैकिंग कितने सी में है? इतने से बीज में वो फिर से उतना ही बड़ा पेड़। इतना विशाल पेड़ एक बीज में भरने वाला कौन है जिसने एक बीज के अंदर दोबारा से वही पीपल का और बड़ का पेड़ छुपा रखा है? वो छुपाने वाला कौन है? वो ही भगवान है। हाँ? अब एक और उदाहरण सुनो। वही वाला सुना, नारियल वाला। एक, चलो मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, आप लोग के कितनों के घर में पानी की टंकी है? हाथ उठा, पानी की टंकी है? किसी के घर में नहीं है तो बता दो अभी से। सबके घर में नल है? नल में पानी आता है? पानी कहाँ से आता है? टंकी कहाँ रखी है? छत पे रखी है। और टंकी कैसे भरती है? पानी कहाँ से जाता है उसमें? जमीन से। कैसे जाता है? कोई मोटर चलाते होंगे, कोई पंप चलाता होगा, सब लोग चलाते हैं ना कुछ मोटर या कुछ पंप। बिना मोटर पंप चलाए पानी ऊपर जा सकता है? मतलब कुछ तो चलाया था जिससे पानी ऊपर गया। सबमर्सिबल पंप चलाया होगा, जेट पंप चलाया होगा, या बाल्टी ले लेकर ऊपर चढ़े होंगे,
हाँ कैसे ना कैसे तो पानी ऊपर पहुंचा, तभी तो नल में आ रहा है ना। इसका मतलब कोई ऊपर चढ़ाता है तभी ऊपर टंकी भरती है। अभी किसी ने नारियल का पेड़ देखा है? नीचे खारा पानी है, हमेशा समुद्र किनारे होता है ज्यादा करके, नीचे खारा पानी, ऊपर नारियल, उसमें कोई कैसा पानी? मीठा पानी। किसने चढ़ाया? आप प्रश्न, किसने चढ़ाया? किसी ने तो चढ़ाया ना, जिसने चढ़ाया वही भगवान है। एक चींटी से लेकर के एक हाथी का जो पालन कर रहा है, चींटी से लेकर हाथी तक का जो पालन कर रहा है, जहां हमारी नजर नहीं जाती वहां तक भी पालन हो रहा है। कभी माइक्रोस्कोप से दही देखना, दही बच्चों ने शायद देखा भी होगा, स्कूल में दिखाते हैं बायोलैब में, एक दही की छोटा सा बूंद लेकर के एक स्लाइड में लगा करके माइक्रोस्कोप में डालते हैं, उसमें अनगिनत जीवाणु दिखते हैं ऐसे हिलते हुए, अनगिनत। आप देख लोगे तो खा भी नहीं सकते। सोचो इतने से दही की बूंद में एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। क्या है पूरा का पूरा? जितने लोग हमने देख रहे ना उससे ज्यादा उसके अंदर में है। सोचो ये कौन चला रहा है, ये कौन चला रहा है, वो चलाने वाला कौन है? जब तक हमारे जीवन में ये प्रश्न नहीं आया तो हम गधे सुअर कुत्ते से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। ये बात मैं नहीं बोल रहा भैया, ये बात हमारे शास्त्र बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुनंच समान्य मेतक पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीना पशु भी समाना। धर्मे नहीना पशु भी समाना, कैसे? आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब डरना, और मैथुन मतलब अपने जैसे और बच्चे पैदा करना। ये दुनिया में सभी लोग करते हैं, मनुष्य भी करता है और जानवर भी करता है, सुअर भी करता है, कुत्ता भी करता है। करता है कि नहीं करता है? सबसे पहले आहार हम खाते हैं, कुत्ता खाता है कि नहीं खाता है? कुत्ता खाता है। हम टेबल पे बैठ करके खाते हैं, वो सड़क पे ही खा लेता है लेकिन खाता है। निद्रा हम सोते हैं, कुत्ता भी सोता है, सुअर भी सोता है, सोता है कि नहीं सोता? हम अच्छे डल्लर के गद्दे पे सोते हैं, सुअर को बढ़िया कीचड़ में वही नींद आती है, जो हमको गद्दे पे आती है उसको उधर ही वही नींद आ जाती है, आती है कि नहीं आती है? और तीसरा बताए भय, सारे जानवर डरे हुए होते हैं, देखा है सब डरे हुए, सुअर को डरे कोई पत्थर मार दे, कुत्ते को भी डरे कोई मारना दे, आदमी को भी डर है, क्या डर है? डर नहीं होता तो घर में ताला क्यों लगाता? ताला लगा के सोता है ना, डर है चोरी ना हो जाए, कोई घर में ना घुस जाए, हमारी नौकरी ना चले जाए, हमारे बच्चे बीमार ना पड़ जाए, कई प्रकार के डर है, सब लोग डरे हुए। और मैं तो मतलब अपने जैसे बच्चे पैदा करना, सब जानवर भी करते हैं मनुष्य भी करता है। तो अब आप मुझे बात बताओ, मनुष्य में और जानवरों में अंतर ही क्या है? क्या कोई अंतर है? बल्कि कई जगह तो ऐसा देखने को मिलेगा जानवर हमसे ज्यादा अच्छा कर लेते हैं। आप कितना खाते हो, एक किलो दो किलो? हाथी तो एक टन खा लेता है, एक दो मुसलमान हुआ तो चार। सुअर की देखोगे तो जितनी दिख रही हो सारी उसकी बतू। हम कितना सो सकते हैं, 24 घंटे 36 घंटे ज्यादा से ज्यादा कितना सो सकते हैं? पोलर बियर वो 6 महीने तक सोता ही रहता है, सोता ही रहता है। तो बताओ जानवर हमसे अच्छे या बेकार? वो ज्यादा अच्छा कर लेते हैं। हम कितना भाग सकते हैं, घोड़ा चीता देखो हमसे 10 गुना ज्यादा भाग सकते हैं, तेज भी और देर तक भी, हम बहुत पीछे हैं। केवल एक ही चीज हमको जानवरों से अलग श्रेष्ठ बनाती है, वो क्या है? धर्मो ही तेषां अधिको विशेषो। हम केवल धर्म का आचरण कर सकते हैं, हम भगवान की कथाएं सुन सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं, भगवान का नाम कर सकते हैं, घर में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, तुलसी जी की परिक्रमा कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं? ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं, ठाकुर जी के लिए नाच सकते हैं, जानवर नहीं कर सकते। इसीलिए आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि जो अपकमिंग जनरेशन, जो नई पीढ़ी आ रही है, उनको ये धर्म की बात हमें बतानी होगी, ये गीता की शिक्षा देनी होगी, ये रामायण की शिक्षा देनी होगी। आप खुद भी सीखो और उनको भी सिखाओ। अगर नहीं सिखा सकते, आपके पास में टाइम नहीं, तो हरिद्वार में भेज दो, हमारे पास में, हमारे गुरु जी के पास में भेजो। संडे टू संडे Q29 सेक्टर 12, वहां पर संडे टू संडे उनको क्लास के लिए भेजा जा सकता है, या जहां पर इधर थोड़ा के अंदर हमारे गुरु जी जहाँ रुके हुए हैं, जिनके घर में, उनके घर में भी बोल रहे थे कि अगर वहां पर सब बच्चे आकर के क्लास सुने तो वो वहां पर आकर भी सीख सकते हैं, हम उनको वहां पर आकर भी क्लास दे देंगे। आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे भी कुछ सीखे ये फालतू पढ़ाई के अलावा?
ये जो कचरा दिमाग में भरते जा रहा है उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बच्चों को सीखना चाहिए। आप लोग हाथ खड़ा करके बताओ कि हाँ हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी सीखें। हाथ खड़ा करके बताओ अगर आप सचमुच में अपने बच्चों को भेजना चाहते हो, सिखाना चाहते हो। ये हमारे संजय प्रभु है, खड़े हो संजय प्रभु, ये संजय प्रभु है। आप इनके पास अपने बच्चों के नाम लिखा देना, ठीक है? कितनों के पास मेरी आवाज जा रही है? ये प्रभु जी के पास अपने बच्चों के नाम लिखा देना, सेवेंथ क्लास से लेकर के ट्वेल्थ या फिर जॉब जो भी करते हैं, जितना भी 30-35 एज तक जितने लोग भी सीखना चाहते हैं बच्चे, वो सब आकर के यहाँ पर सीखो। अब जाते जाते मैं एक बात और आपको बता देता हूँ। ये तो हो गई साइंस की बात, बच्चों को समझाने की बात, जितना आप समझो समझो, लेकिन मैं आपको एक रामायण की बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूँ। कितने मिनट में? 5 मिनट में। बड़ी सुंदर कथा जिससे हमको समझ में आएगा कि गुरु जी क्यों आते हैं। कौन क्यों आते हैं? गुरु जी क्यों आते हैं, हम लोगों के बीच में क्यों आते हैं? देखो, जब ये जो है ये किष्किंधा कांड की बात बिल्कुल खत्म होने वाला है और सुंदरकांड शुरू होने वाला है, ये जब की कथा है, ठीक है? जब हनुमान जी और सेना ढूंढते ढूंढते जब समुद्र किनारे पहुंची और उनको पता चला सांपति द्वारा कि सीता जी कहां पर है, ये जो 100 योजन का समुद्र पार करके दूर लंका में अशोक वाटिका वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है? माता सीता। लेकिन वहां तक जाएगा कौन? बड़ा विचार किया, सबकी तरफ देखा जामवंत ने, तुम जाओगे? वो बोला मैं जा सकता हूँ, 10 योजन तक कूद सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं कूद सकता। किसी से पूछा तुम? कोई बोला 20। अंगद से पूछा, अंगद बोले मैं पूरा कूद जाऊंगा लेकिन वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा उसकी गारंटी? जामवंत बोले नहीं, जब गारंटी नहीं है वो काम को नहीं करना चाहिए, जो गारंटी नहीं उस काम को। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति और है, कौन? वो क्या बोल रहे हैं? रघुपति राघव राजा राम की कथा। हनुमान जी वहां पर है, जामवंत ने देखा अरे ये जितनी सेना है सबके बराबर ताकत किसमें? हनुमान जी में। लेकिन हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे, इसलिए जामवंत जी हनुमान जी के पास जाकर के बोलते हैं, ध्यान से सुनो, कहो रिचपति सुन हनुमाना, काही सो चुप रहे बलवान, पवन तनय बल पवन समाना, बल बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज होत जग माही, जो नहीं होत तार।